गाइस गुड मॉर्निंग. ओके सर, हेलो, दिस इज सीए विजय सारडा फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी पुणे. अपकमिंग मे 19 एग्जाम्स एंड नवंबर 19 एग्जाम्स वी आर लुकिंग फॉर. तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. मैं आपको कुछ चीज़ें चालू करने से पहले बता दूं कि इसके अंदर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कैसे इस वास्ट सब्जेक्ट को हम लोग पूरा करेंगे. यस और नो सर? सबसे पहली बात, व्हाट एग्ज़ाम वी आर लुकिंग फॉर, विच एग्ज़ाम वी आर लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग फॉर सीए फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, May 19 and November 19. So this particular course is for May 19 as well as November 19, except for the few amendment which will come from November 19. Kuch ek particular amendments de hoga. Point number pehla. Point number dusra. Sir, iska duration hum log kya rakh rahe hain? Kitne din ka ye batch hoga? Sir, it will be 30 to 35 days, right? Each ranging between 3 to 3.5 hours. Yes or no? Each ranging between 3 to 3.5 hours. Sir, तीसरा important point. Sir, मुझे ये बताइए कि हम इसमें topics क्या क्या cover कर रहे हैं, क्या क्या topics इसके अंदर में covered हो रहे हैं. मैं आपको बता दूँ, as we all know, the topic is divided between DT and international tax. हम कुछ part DT के cover कर रहे हैं और कुछ part international tax के cover कर रहे हैं. इंटरनेशनल टैक्स का जो पार्ट कवर कर रहे हैं उसमें सबसे पहला है ट्रांसफर प्राइसिंग. ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ दूसरा चैप्टर है DTAA. तीसरा टॉपिक जो है वो हम ले रहे हैं एडवांस रूलिंग. चौथा टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट. पांचवा टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है इक्वलाइजेशन लेवी. तो ये पांच टॉपिक ऐसे हैं आउट ऑफ ओवरऑल टॉपिक्स, पांच टॉपिक ऐसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं वो हम इसके अंदर में कवर कर रहे हैं. सर, डीटी के अंदर में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? हम सबसे पहले जो कवर कर रहे हैं बेटा वो है टैक्स कैलकुलेशन. सर, टैक्स कैलकुलेशन क्यों बेटा? टैक्स कैलकुलेशन इसलिए क्योंकि अब तक सीए फाइनल के अंदर में हम आर्टिकल शिप पे थे और जितना टैक्स निकालते थे वो पूरा का पूरा निकलता था सॉफ्टवेयर से. सॉफ्टवेयर से निकलने के कारण खुद के टैक्स कैलकुलेशन पूरे बिगड़ गए. यही पता नहीं पहले क्या ऐड करना, बाद में क्या ऐड करना. टैक्स कैलकुलेशन सेकेंड, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस. ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं जब टोटल इनकम के प्रॉब्लम आते हैं. आपको पता होगा दो प्रॉब्लम डीटी के पेपर में ऐसे होते हैं जो टोटल इनकम के कंपटीशन होते हैं और टोटल इनकम के कंपटीशन में हेड्स आना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी है. इसी के लिए ये वाले टॉपिक कवर्ड. देन इसके अलावा असेसमेंट प्रोसीजर, रिटर्न ऑफ इनकम, अपील, रिविजन, रेक्टिफिकेशन, सर्च एंड सीजर. सर, अगर आप इन सारे टॉपिक को देखें पांचवें से दसवें तक के, तो ये कंबाइंडली एक चैप्टर कहा जाता है असेसमेंट प्रोसीजर. ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, ये पूरे के पूरे टॉपिक को ही हम कहते हैं असेसमेंट प्रोसीजर. ये सुनो, और असेसमेंट प्रोसीजर इज डिवाइडेड इंटू वेरियस टॉपिक्स. ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरे सेशन के अंदर में. इसके अलावा असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, जैसे असेसमेंट ऑफ कंपनीज, जिसके अंदर में दो टॉपिक होते हैं. पहला होता है मैट, दूसरा होता है टनेज टैक्सेशन. फिर होता है हमारा टैक्सेशन ऑफ फर्म, टैक्सेशन ऑफ LLP. तीसरा होता है टैक्सेशन ऑफ AOP, BOI, देन चैरिटेबल ट्रस्ट, देन वेरियस इन्वेस्टमेंट फंड्स, 16th पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट. इन सब को मिला के कहा जाता है
असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज़। हालांकि असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज़ में और भी चीज़ें आती है जैसे सिक्योरिटाइजेशन फंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं ये टॉपिक्स तो आपको कमिट कर देता हूँ जो सब्सटैंशियल पार्ट रखते हैं एग्जामिनेशन के अंदर में। एग्जाम जब आप देखेंगे तो ये सब्सटैंशियल पार्ट रखते हैं एग्जामिनेशन का, वो टॉपिक हम लोग कवर कर देंगे। समय मिला तो हम इसके अंदर के और भी टॉपिक कवर कर लेंगे, लेकिन ये वो है जो हमारे को कंप्लीट करने ही करने हैं, राइट? अच्छा जी, इसके अलावा कुछ रैंडम टॉपिक्स जो काम के हैं वो है टीडीएस। टीडीएस के साथ साथ एक और टॉपिक पेनल्टीज। ये वो टॉपिक है जो एट रैंडमली हर चैप्टर के अंदर में पूछा ही जाता है। टीडीएस से रिलेटेड पार्ट पूछना है मतलब पूछना ही है, पेनल्टी से रिलेटेड पार्ट पूछना है मतलब पूछना ही है, यस और नो? तो ये दो पार्ट भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, राइट, यहाँ के 18 और यहाँ के 5, ये वो टॉपिक है जो मैं कमिटेडली पूरे करवा दूंगा, और अगर टाइम मिला तो इसके अलावा हम लोग और भी टॉपिक्स देख लेंगे। सर सर क्या इसके अंदर में टॉपिक्स तो हमने डिस्कस कर लिए, माइट भी ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक आध टॉपिक को भूल रहा हूँ और वो भी साथ में करवा दूँ, बट दिस इज़ वॉट वी आर लुकिंग फॉर। सर क्या हम इसके अंदर में प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, आई मीन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर वी सॉल्विंग, और यू विल बी गिविंग क्वेश्चन एज, और वॉट वॉट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू? सर हम लोग करीब 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 120 क्वेश्चंस इसके अंदर में सॉल्व करेंगे ही करेंगे टॉपिक से रिलेटेड। 120 क्वेश्चन प्रैक्टिकली क्लास के अंदर में सॉल्व करेंगे। मैं मेरे रेगुलर बैच के अंदर में भी 400 प्लस क्वेश्चन लेता हूँ, और यहाँ पे भी हम 120 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास के अंदर में। प्लस इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स जो हम लोग देंगे वो तो बिल्कुल अलग ही होंगे। सर इसके अंदर में क्या अमेंडमेंट्स कवर होंगे, सवाल उठता है। सर क्या इसके अंदर में अमेंडमेंट्स कवर होंगे? जी हाँ, क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये पूरा का पूरा फाइनेंस एक्ट 2018 के लिए है, जो एप्लीकेबल होता है मई 19 एंड नवम्बर 19 को। तो इसके अंदर में सारे अमेंडमेंट्स कवर है। इसके बाद मैं कह सकता हूँ आपको जनरली कोई अमेंडमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हालांकि आपको पता होगा सीए फाइनल तक के कि कुछ अमेंडमेंट्स आरटीपी के थ्रू आते हैं, यस और नो? राइट, ये तो फाइनेंस एक्ट ने जो अमेंडमेंट लाए हैं वो है, आरटीपी के थ्रू अमेंडमेंट्स आते हैं वो हम लोग अलग से देख लेंगे, जिसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, आप वो देख पाएंगे। क्लियर है? ओके सर। सर तो इसके साथ साथ हम नोट्स क्या दे रहे हैं? सर इसके साथ साथ मेरा फास्ट ट्रैक बुक अवेलेबल है, मैं आपको बता दूं फास्ट ट्रैक बुक अवेलेबल है, जिसका साइज करीब करीब 100 से 150 पेजेस के अंदर में मैंने इसे कंसाइज किया हुआ है। क्योंकि देखिए एग्जाम के लास्ट दिन के अंदर में आप कोई बड़े बड़े मॉड्यूल्स, बड़े बड़े बुक, बड़े बड़े रेफरेंसेस नहीं ले सकते। आपको चाहिए शॉर्ट स्वीट एंड क्रिस्प, ये चीज़ को हम लोगों ने फास्ट ट्रैक बुक के अंदर में डाला हुआ है, राइट? जैसे विशाल सर ने बूस्टर निकाला है, ठीक उसी तरह से हमने भी ये फास्ट ट्रैक बुक निकाला है जो टोटली अमेंडेड है, जिसके साथ क्वेश्चन एंड अदर चीज़ें कवर्ड है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ दे रहा हूँ, और वो है एमसीक्यू बुक। सर एमसीक्यू बुक इसी के लिए, क्योंकि आपको पता होगा मई 19 एंड ऑनवर्ड्स, राइट, एमसीक्यू आ चुका है, एंड 70-30 असेसमेंट के बेसिस पे लिया जाएगा, दैट इज 70% प्रैक्टिकल एंड 30% एमसीक्यू। तो हम लोग क्लास में तो एमसीक्यू पैटर्न से जाएंगे ही जाएंगे, साथ साथ में मैं आपको एक एमसीक्यू बुक भी दूंगा जिसमें करीब 1800 एमसीक्यू कवर्ड है। कितने? 1800 एमसीक्यू कवर्ड है, जो आपका आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। मतलब 120 प्रॉब्लम करीब हम इधर ले लेंगे। एमसीक्यू बुक आपको दिया हुआ है, पॉसिबल हुआ मेरा सर तो मैं आपसे एमसीक्यू भी क्या करूँगा, डिटेल में डिस्कस करूँगा, पॉसिबल हुआ तो। लेकिन इसका अलग से YouTube पे फ्री वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, वो इस सीरीज का पार्ट नहीं रहेंगे। अच्छा जी, तीसरी एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो होगा चार्ट्स। सर एग्जाम से पहले जो चीज जरूरी है वो है चार्ट्स, बिकॉज कई टॉपिक ऐसे भी है जो आप नोट्स से, नोट्स भी उसके काफ़ी बड़े हो जाते हैं। जैसे अगर आप पीजीबीपी देखोगे तो पीजीबीपी का शॉर्टकट नोट्स भी बड़ा होता है, तो उस चीज़ को आप डील कर सकते हो चार्ट्स के थ्रू। मैं ओवरऑल चार्ट्स इंक्लूड कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैक्सिमम टॉपिक से जो दिए हुए हैं ये सारे कवर्ड हो जाएंगे, आप उसके अंदर में भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। डन सर, ये तीन चीज़ें तो मैं आपको एज ऑफ नाउ कमिट कर रहा हूँ कि बॉस मेरे तरफ से आएगा आपको इस लेक्चर के दौरान। अच्छा जी सर, सर अब सवाल उठता है कि ये बैच हम लोग जब तक के लेंगे उसके बाद आरटीपी भी आ जाएगा, आरटीपी का कैसे करेंगे, कुछ नए अमेंडमेंट्स आए तो कैसा करेंगे? वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम लोग उसको कहाँ से कवर कर लेंगे, यूट्यूब के ऊपर फ्री में मैं आपको वो चीज़ अपलोड कर दूंगा, आपको वो एक लेक्चर इन एडिशन टू दिस देखना पड़ सकता है इफ़ एनी
अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशन और सर्कुलर हैज बीन ब्रॉट। सर व्हाट अबाउट केस लॉज? हाँ जी, मैं आपको ये भी बता रहा था, मैं आपको एक और चीज़ दे दूंगा, केस लॉ बुक। क्या देने वाला हूँ बेटा मैं आपको? केस लॉ बुक। ये केस लॉ बुक आपको प्रोवाइड हो जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि केस लॉ बुक जो है ये आपके शिपमेंट के साथ, अगर आप पीडी ले रहे हैं या वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, तो आपके शिपमेंट के साथ ना आए, क्योंकि केस लॉ बुक इज प्रिटी मच डिपेंडेंट अपॉन सजेस्टेड एज इशूड बाय ICAI। उसके अंदर में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सारे क्वेश्चन कई केस लॉज आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो भी मुझे क्या करना है, कवर करना है। तो केस लॉ जो है ये मैं आपको PDF में अवेलेबल करके दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पे अवेलेबल करके दूंगा मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करके दूंगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक भी दे दूंगा लेक्चर के साथ साथ, जहाँ पे आप ज्वाइन करके आपको ये PDF मिल जाएगा। तो आपको इसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, रहे टॉपिक के केस लॉ, टॉपिक डिस्कस के केस लॉ, वो हम चैप्टर के साथ ही कर लेंगे, कि जो टॉपिक के अंदर के कुछ रिलेवेंट केस लॉज थे जिसने टॉपिक को और एनहांस किया या क्लैरिफाई किया, वो हम चैप्टर के साथ ही ले लेंगे। और अलग से एक केस लॉ बुक मैं PDF के अंदर में आपको अवेलेबल करवा के दे दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आपको उतना भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो तीन बुक मेजरली आपको आपके साथ आ जाएगी, आपके शिपमेंट के साथ आ जाएगी, और एक बुक जो होगी केस लॉ बुक, ये आपको कब टेलीग्राम पे मिल जाएगी विदाउट एनी टेंशन। रही बात अमेंडमेंट्स की, अमेंडमेंट्स आपको अगेन अपलोड हो जाएंगे कहाँ पे बेटा? टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। दैट्स इट, दिस वाज द ओवरऑल सीन। सब्सटैंशियली हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। सर एक सवाल और, इंटरनेशनल टैक्स पेपर C6C, ये सुनो, इंटरनेशनल टैक्स का क्या? देखिए बेटा, इंटरनेशनल टैक्स के अंदर में कुल मिलाकर के 7 से 9 टॉपिक है। अगर मैं दो टैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को भी अलग से ले लूं, तो 9 टॉपिक है जिसके अंदर से 5 से 6 टॉपिक तो बिल्कुल पूरे के पूरे कॉमन है, बिल्कुल पूरे के पूरे क्या है बेटा, कॉमन है। तो हाँ, अगर हम ऑप्शनल पेपर की बात करें, ऑप्शनल पेपर की बात करें, तो वो उसके अंदर में करीब 5 से 6 टॉपिक जो है जो कॉमन है वो भी हम कर रहे हैं। दैट इज, दीज आर दोज टॉपिक्स। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन है दोनों जगह पे, चाहे वो आप DT+ इंटरनेशनल टैक्स में देखो या सिर्फ ऑप्शनल पेपर इंटरनेशनल टैक्स में देखो। तो मतलब जो लोग ओपन बुक एग्जाम दे रहे हैं इंटरनेशनल टैक्स का, उनके लिए भी ये बहुत इजी और अच्छा पॉइंट रहेगा। क्लियर है? ओके, तो सर हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? सर हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक टैक्स कैलकुलेशन से। इसको शुरुआत करने का बहुत सिंपल सा रीज़न है, व्हाई दिस टॉपिक इज आई एम टेकिंग अप इज वेरी सिंपल रीज़न। इन आगे के सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर में आपको बेसिक टैक्स कैलकुलेशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और बस इसी के लिए हमारे को क्या करना है, ये देखना है। सो आ जाइए फटाफट, गिव द हेडिंग बेसिक टैक्स कैलकुलेशंस। मैं टॉपिक को कुछ ऐसा कहूंगा, बेसिक्स एंड टैक्स कैलकुलेशंस। रीजन, क्योंकि मैं आपको इसके साथ साथ कुछ बेसिक्स भी बताने वाला हूं और टैक्स कैलकुलेशन भी हम लोग अलग से गवर्न करने वाले हैं। चल मेरे भाई, कुछ चीजें जो आप लोगों के काम की है। पहली चीज सर, इनकम टैक्स के बारे में कुछ बताइए। सर इनकम टैक्स एक्ट के बारे में कुछ बताइए। सर हम उसको इसलिए भी अब डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि अब इसमें क्या आ चुका है, MCQ पैटर्न आ चुका है। ये सुनो, तो सर इनकम टैक्स एक्ट कंटेन 298 सेक्शंस। ये सबसे पहला MCQ है जो आपको समझना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट कंटेन 298 सेक्शंस, ये सुनो। हालांकि ये 298 से बोलने के लिए मेरे भाई मोर देन 750 सेक्शंस है इसके अंदर में। सर 298 और 750 कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा। लॉजिक बैठेगा ना मेरे भाई, तेरे को बताता हूँ कैसे। सीरीज ऑफ सेक्शन को तो काउंट ही नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल 80C, 80CCC, 80CCD दिखाने के लिए सिर्फ एक ही सेक्शन दिखाया जाता है, सेक्शन 80, लेकिन इसके अंदर 80CCG, CCB, सारे सेक्शंस कवर्ड हो जाते हैं। तो बोलने के लिए 298 सेक्शंस है, लेकिन है एक्चुअली में उससे ज्यादा। अच्छा जी, इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स क्या सेम है क्या? आंसर इज नो। द इनकम टैक्स एक्ट इज इट 1961 एंड इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। जी हाँ, नो एक्सेप्शन टू द जम्मू एंड कश्मीर, इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो शायद MCQ में पूछ ले, इसके लिए फटाफट देख ले रहे। ओके,
इनकम टैक्स एक्ट तो 1961 का है, लेकिन इनकम टैक्स रूल्स आर कवर्ड इन 1962. सो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962. ओके जी, चलिए. इसके अलावा आपको कुछ और बातें समझनी है सर. इनकम टैक्स एक्ट कहाँ कवर्ड है, इसको कलेक्ट करने का पावर कहाँ से आता है? सर, इसको कलेक्ट करने का पावर आता है एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट. वापस बोलो कौन का? एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट. एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट, राइट, हमें पावर देता है फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स. आइए उसकी कुछ बातें मैं आपको कह दूं. एंट्री नंबर 82 कहता है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर. टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर, यानी जब आप एंट्री नंबर 82 को पढ़ोगे मेरे भाई, जब आप एंट्री नंबर 82 को पढ़ोगे तो वी टॉक्स अबाउट टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर. मतलब हम इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं अदर देन ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगाने का पावर यूनियन के पास नहीं है. यूनियन के पास नहीं है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनियन मतलब कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इनकम पे टैक्सेस लगाने का पावर है, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने का पावर नहीं है. तो आप ये पूछेंगे, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर किसके पास है? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, एंड दिस इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 46 टू द स्टेट लिस्ट. तो पॉइंट टू बी नोटेड सर, इनकम टैक्स का पावर आता है एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट, व्हाइल व्हाइल एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने के पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है अंडर एंट्री नंबर 46. सर, व्हाट डू यू मीन बाय एंट्री नंबर? देखिए बॉस, जब सबसे पहले पावर्स एंड ड्यूटीज अलग अलग किए गए स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो कुछ पावर्स सेंटर को दिए गए, कुछ पावर्स स्टेट को दिए गए. जो पावर स्टेट को दिए गए उनकी एक लिस्ट बनी. लिस्ट के अंदर पे 46 नंबर पे था कलेक्टिंग टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज एंट्री नंबर. क्लियर है? ओके सर. सो इनकम टैक्स एक्ट कंटेन 298 सेक्शन. द एक्ट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961, विच इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इंडिया, विच इज रीडेड विद इनकम टैक्स रूल्स 1962. इनकम टैक्स इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट, वाइल एग्रीकल्चरल इनकम इज कवर्ड अंडर एंट्री नंबर 46. तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने का? आंसर इज नो. ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है. एज ऑफ नाउ जनरली हर स्टेट ने इसे एग्जम्प्ट कर रखा है, राइट. जनरली हर स्टेट ने एग्रीकल्चर की इनकम के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का राइट नहीं लिया हुआ है, उन्होंने एग्जम्प्ट कर रखा है. चलिए कुछ और बातें हम लोग भी कर लेते हैं अब आगे. सर मुझे बताइए, हम लोगों ने कुछ वर्ड पढ़े थे सर. हम लोगों ने पढ़ा था नोटिफिकेशन नाम का एक वर्ड. व्हाट एग्जैक्टली नोटिफिकेशन डज? क्या सीए फाइनल में हम लोग को नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत है? हाँ, तो कौन निकालेगा, कहाँ से निकालेगा? सर पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज इश्यूड बाय सीबीडीटी. अच्छा जी सर, इशू तो करता है सीबीडीटी, पर आप मुझे ये बात बताइए कि सर सीबीडीटी जब इसे इशू करता है क्यों करता है? मतलब लॉजिक क्या होता है नोटिफिकेशन लाने का? टू कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, टू कम्युनिकेट एनी चेंज. बॉस देखिए, बजट के अंदर में अमेंडमेंट्स आते हैं. ओहो, हमारी जिंदगी में एक और वर्ड आया, बजट. और बजट का क्या रोल होता है? बजट एंड अमेंडमेंट्स, राइट. बजट का क्या रोल होता है और इसका क्या मीनिंग होता है वो भी समझते हैं. सर देखिए, इनकम टैक्स में जितने भी अमेंडमेंट्स आते हैं ये जनरली एनुअल अमेंडमेंट्स होते हैं. इट्स नॉट लाइक जीएसटी कि हर महीने के अंदर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ गया, सर्कुलर आ गया और चेंज हो गया. जनरली इनकम टैक्स के अंदर जो अमेंडमेंट्स आते हैं ये आते हैं एनुअली फाइनेंस एक्ट के साथ, राइट. अच्छा, अब दूसरा सवाल उठता है कि साल के बीच में भी तो कई चीजें चेंज होती होगी. फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता होगा. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिकेम्स द लॉ ऑफ लैंड, बिकेम्स द लॉ ऑफ लैंड. जब इट बिकेम्स द लॉ ऑफ लैंड, तो लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ता होगा, कुछ नया प्रोसेस लाया, प्रोसेस के अंदर में प्रॉब्लम हो रहा है. देखिए, लॉ बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है. आपको याद होगा लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, हाउ लॉ इज मेड. मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, मैं तीन चीजें एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ, हाउ लॉ इज मेड. आप चाहे कोई भी लॉ ले लो, राइट. सबसे पहले इसे बनाता है
मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कौन बनाता है बॉस? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसे बनाता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जब इस लॉ को बनाता है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड लॉ भी क्यों ना हो, वो बनाता है, उसे ड्राफ्ट करता है। इसके अंदर एक कमिटी बनती है जो एक पूरे के पूरे लॉ को ड्राफ्ट करती है, राइट? ये सबसे पहले ड्राफ्ट करते हैं, और ये जब ड्राफ्टिंग होता है तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, राइट, के साथ बैठ करके, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के साथ बैठ करके एक लॉ ड्राफ्ट किया जाता है। सो MOLJ प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू मिल करके एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं। ये ड्राफ्ट जाता है, याद करो कहां? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के जाने के बाद इसको क्या मिलता है मेरे भाई? प्रेसिडेंट असेंट मिलता है। क्या मिलता है? प्रेसिडेंट असेंट। और प्रेसिडेंट जिस दिन असेंट दे देता है, इट बिकेम्स एन एक्ट। अब क्या होगा? ये एक्ट तो बन गया, राइट? अब ये एक्ट इंप्लीमेंट होता है। लॉ मेकर्स ने लॉ तो बना लिया, ये लॉ अब इंप्लीमेंट होगा। जब ये लॉ इंप्लीमेंट होगा तो आएंगी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। लॉ मेकर एंड लॉ फॉलोअर की यहां पे तकलीफ शुरू होगी, राइट? क्योंकि देख बॉस, इंप्लीमेंटेशन इज अ वेरी डिफरेंट पार्ट एंड लॉ मेकिंग इज अ वेरी डिफरेंट पार्ट। GST जब लाया गया उस टाइम पे इंप्लीमेंटेशन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा गया, जिसके कारण एक क्योस अराइज हो गया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, ऑफिसर्स में और हर जगह की एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक उसी तरह लॉ मेकर्स ने लॉ बना दिया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में इसके अंदर में प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज अराइज होंगी। इस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को रिजॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी, यस ऑर नो? जिसके लिए कई नोटिफिकेशंस लाने जरूरी पड़ जाते हैं, ताकि इसे क्या किया जा सके? रिजॉल्व किया जा सके। कई अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करनी पड़ेगी, राइट? कि बॉस इसका मीनिंग क्या था, उसका मीनिंग क्या था, हम एग्जैक्टली क्या सोच रहे थे इस बारे में, नोटिफाई करवा देते हैं कुछ लोग। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने कोई एक वर्ड के ऊपर टैक्सेस लगा दिया, फूड ग्रेन के ऊपर उन्होंने बोला कि बॉस हम एक पर्टिकुलर टैक्स लगाएंगे। अब फूड ग्रेन हैज गॉट डिफरेंट मीनिंग। फूड ग्रेन्स के अंदर में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए दे हैव टू कम अप विद अ नोटिफिकेशन, दे हैव टू कम अप विद अ नोटिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। अगर कुछ वो चेंज कर रहे हैं, कुछ और वो चीज लेकर के आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई नोटिफिकेशन इज मेड। सो व्हाट इज नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। चेंज इन व्हाट? चेंज इन लॉ और चेंज इन रूल्स। ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर आर एग्जाम आर एप्लीकेबल। यानी ये याद रखिए, आपका एग्जाम अगर मई में है तो आपको दिसंबर तक के सारे नोटिफिकेशन, दैट इज नवंबर एंड, मतलब एक अटेम्प्ट आप पहले सोच के रखिए, आपका मई 19 है, मतलब नवंबर 18 तक के जितने नोटिफिकेशन होंगे वो आपको काम के रहेंगे। अगर आप नवंबर 19 दे रहे हैं तो मई 19 तक के जितने नोटिफिकेशन आएंगे ये सारे आपके सिलेबस में रहेंगे बाय डिफॉल्ट, एनीथिंग, यस ऑर नो? अच्छा जी सर, सर नोटिफिकेशन और एक्ट कभी भिड़ गए तो हमने क्या फॉलो करना? नोटिफिकेशन या एक्ट? परफेक्ट, नोटिफिकेशन। सर नोटिफिकेशन क्यों? क्योंकि एक्ट के अंदर में कुछ चीजें नहीं लिखी थी जिसको क्लैरिफाई करने के लिए ही क्या आया? नोटिफिकेशन। जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि लॉ मेकर ने लॉ तो बना दिया, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में जो डिफिकल्टी आती है इसको क्लियर करने के लिए क्या लेके आ जाते हैं वो लोग? नोटिफिकेशन लेके आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी नोटिफिकेशन विल प्रिवेल ओवर दी एक्ट। जनरली कोई नोटिफिकेशन आता है, ये प्रिवेल कर जाता है एक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने एक बहुत ईजिली प्रैक्टिकली देखा होगा, एक्ट के अंदर में लिखा है द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज 30th September, एंड देयर बाय लास्ट डेट पे आता है एक नोटिफिकेशन द ड्यू डेट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय। क्योंकि देखो, लॉ मेकर ने लॉ बनाया कि 30 तारीख तक, आप देखिए इसको ऐसे भी समझ के देखना, लॉ मेकर ने लॉ बनाया 30 तारीख तक कि आप क्या कर दोगे? रिटर्न भर दोगे, सब कुछ कर दोगे। लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या है? क्लाइंट डेटा नहीं देता,
टाइम ही नहीं रहता अवेलेबल, जो टाइम रहता है वो बहुत शॉर्ट रहता है उस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए, एंड हेंस नोटिफिकेशन आता है इसको और आगे बढ़ाने के लिए और सुविधा देने के लिए. दैट्स हाउ नोटिफिकेशन वर्क्स. तो नोटिफिकेशन विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर एक्ट. क्लियर है? अच्छा जी. हालांकि अगर कोई नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट होगा जिससे इंटरप्रिटेशन में ही प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर उसके लिए अप्रोप्रिएट साइटिंग्स की जरूरत पड़ती है. क्लियर है सर? ओके. सो नोटिफिकेशन मेजरली दे आर इशूड बाय सीबीडीटी, और ये इशू करने का पावर इनको आता है सेक्शन 119 से. ये है एमसीक्यू. ये है एमसीक्यू. तो 119, सेक्शन 119 सीबीडीटी को पावर देता है क्या इशू करे बेटा? नोटिफिकेशन. अच्छा जी. बीच में जितने भी कम्युनिकेशन आएंगे, कुछ चेंज होता है तो वो लोग नोटिफाई कर देंगे. लेकिन इसमें एनुअली कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं सर. बजट आता है, एनुअली कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं, इनका क्या किया जाए? सर देखिए, सबसे पहली बात तो बजट के बारे में अगर हम बात कर लें, तो बजट इज प्रिपेयर्ड, ध्यान से सुनना, बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003. माइट भी आप लोग, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बजट फाइनेंस एक्ट से प्रिपेयर होता है. पूरा गलत है मेरे भाई. बजट प्रिपेयर होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003. दिस इज अ सुपर पावर एमसीक्यू मेरे भाई. ओके. बजट इज प्रिपेयर्ड एज नॉट एज पर फाइनेंस एक्ट, बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. आज जाना और अपने दोस्त की भी मजा लेना. अगर आप ये लेक्चर मेरा देख रहे हैं तो आज जाना और अपने दोस्त की भी मजा लेना. बोल बजट कहाँ से आता है? उसका जवाब आएगा फाइनेंस एक्ट से. बोला अरे यही तो तकलीफ है मेरे भाई, तेरे को यही नहीं मालूम बजट कहाँ से आता है? बजट आता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट से. अब ध्यान से सुना, बजट कब प्रिपेयर होता है? देखो पिछले साल तक के ऐसा होता था कि बजट आता था, रेल बजट आता था लास्ट वीक ऑफ फरवरी के फर्स्ट डे पे, और फाइनेंस बजट आता था लास्ट डे ऑफ फरवरी पे, दैट इज 28 फरवरी पे. अरुण जेटली साहब ने ये कॉलोनियल रूल चेंज कर दिया और उन्होंने प्रेजेंट किया बोथ रेलवे बजट एंड फाइनेंस बजट शुड बी प्रेजेंटेड ऑन द सेम डे. मतलब पहली बात, अब रेलवे बजट और फाइनेंस बजट दोनों एक ही दिन पे प्रेजेंट होता है, दोनों अलग अलग दिन पे प्रेजेंट नहीं होता. तो ये एक पॉइंट लिख के रखे. आई डोंट नो ये काम का है या नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अपन ने लिख लेना चाहिए क्लैरिटी के लिए. सो बोथ रेल बजट एंड फाइनेंस बजट आर प्रिपेयर्ड, सॉरी प्रेजेंटेड ऑन द सेम डे. ये प्रेजेंट किया जाता है सेम डे पे. सर व्हाट इज द सेम डे? बॉस 2 साल से इसे 1 फरवरी को लाया जा रहा है. कोई भी बजट 1 फरवरी के दिन आ रहा है. सर जब बजट आता है तो बजट के अंदर में दो पार्ट होते हैं. मतलब बजट जब आप देखेंगे, आपने कभी लाइफ में एक बार भी अगर बजट देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि बजट के अंदर में सिर्फ टैक्स के बारे में डिस्कशंस नहीं होते हैं. बजट के अंदर में एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ऐसे वेरियस सेक्टर के बारे में बात किए जाते हैं. तो बॉस वेरियस सेक्टर्स होते हैं, इसमें से जो टैक्स का पोर्शन है, चाहे आप डायरेक्ट टैक्स देखो या इनडायरेक्ट टैक्स देखो, टैक्स का पोर्शन ऐड कर दिया जाता है फाइनेंस एक्ट के अंदर में. द टैक्स पोर्शन इज एडेड इन फाइनेंस एक्ट. द टैक्स पोर्शन इज एडेड इन फाइनेंस एक्ट, राइट? हमें पूरे बजट से लेन देन नहीं है एज अ सीए स्टूडेंट एज ऑफ नाउ, तो भी हमें लेन देन है बॉस उसके जो फाइनेंस पोर्शन है इसके ऊपर से. और इसका जो फाइनेंस पोर्शन है ये ऐड किया जाता है फाइनेंस एक्ट के अंदर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर में डीटी के अमेंडमेंट्स भी होते हैं और आईडीटी के अमेंडमेंट्स भी होते हैं, राइट? डीटी के अमेंडमेंट्स भी होते हैं और आईडीटी के भी अमेंडमेंट्स होते हैं. आईडीटी के जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो सेम डे से एप्लीकेबल होते हैं, ध्यान से सुनना, सेम डे से एप्लीकेबल होते हैं. दैट इज मिडनाइट से वो क्या हो जाएंगे? एप्लीकेबल हो जाएंगे अनलेस अ डिफरेंट डेट इज मेंशन्ड. अनलेस अ डिफरेंट डेट इज मेंशन्ड, मतलब
आईडीटी के जो अमेंडमेंट होंगे जो बजट के अंदर में आएंगे वो उसी रात से अप्लाई कर देते हैं अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ डिफरेंट डेट मेंशन. डीटी के अमेंडमेंट्स आर एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर. डीटी के अमेंडमेंट्स आर एप्लीकेबल ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, राइट. इसी के लिए मेरे भाई, इसी के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इनकम टैक्स रूल्स 1962, रूल्स इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट, रूल्स आर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट. बॉस एक्ट 1961 में आ गया, लेकिन जब 1961 का पहला बजट आया होगा, बताइए अप्लाई कब से किया होगा? 1962, मतलब इंप्लीमेंटेशन आया होगा 1962 से. हेंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड रूल्स 1962. इसीलिए बेटा जो बजट आया होगा फाइनेंस एक्ट 2018, ये असेसमेंट ईयर 1920 के लिए एप्लीकेबल है. हेंस चाहे आप मई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नवंबर एग्जाम दे रहे हो, आपको फाइनेंस एक्ट 2018 एप्लीकेबल है. तो अगर आप नवंबर भी दे रहे हो तो फाइनेंस एक्ट 2019 मत उठा लेना. अगर आप नवंबर भी दे रहे हो तो आप फाइनेंस एक्ट 2019 मत उठा लेना, आपको उठाना फाइनेंस एक्ट 2018 ही पड़ेगा. गेटिंग इट और नॉट? सो ये है सिंपल गेम. वापस से अगर आप लिख रहे हैं तो ध्यान से जल्दी से लिखिए. बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. याद रखें बजट के अंदर में बहुत सारी चीजें होती है. अब रेल बजट फाइनेंस बजट दोनों एक ही दिन प्रेजेंट होता है. जब भी बजट आता है इसके कुछ डीटी के अमेंडमेंट्स होते हैं, आईडीटी के अमेंडमेंट्स होते हैं. आईडीटी के अमेंडमेंट्स उसी रात से अप्लाई करते हैं. डीटी के अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर या तो फिर कोई स्पेसिफाइड डेट इफ एनी स्पेसिफाइड बाय द बजट. क्लियर है मेरे दोस्त? ओके. तो ये है बजट एंड अमेंडमेंट्स. इसके अलावा लॉ कैसे बनता है ये भी. अच्छा आप सुनिए, मैं आपको एक और बात समझाता हूँ. सर ध्यान से सुनना, लॉ मेकर ने लॉ बनाया, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के पास गया, एक्ट बन गया, एक्ट को इंप्लीमेंट किया, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आई, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी के कारण नोटिफिकेशन ला लिया. अब नोटिफिकेशन तो ला लिया और सबको कम्युनिकेट कर दिया, ऐसा हो सकता है क्या कि इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो? एओ एट दिल्ली, एओ एट मुंबई, एओ एट चेन्नई, एओ एट कोलकाता, पॉसिबल है क्या? इंटरप्रिटेशन दूसरा हो सकता है, बदल सकता है. इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है क्या, बदल सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है. मान लो अगर कोई नोटिफिकेशन भी लेकर के आ गया डिपार्टमेंट, तो ऐसा हो सकता है ना दैट डिपार्टमेंट इटसेल्फ इंटरप्रेट इन अ वेरी डिफरेंट वे. एओ एट मुंबई इंटरप्रेट इन अ डिफरेंट वे, वाइल एओ एट आसाम इंटरप्रेट इन अ डिफरेंट वे. पॉसिबल है ना बॉस? क्योंकि एक लॉ लेकर के आप आ रहे हो, किसी का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, किसी का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है. डिपार्टमेंट के अंदर ही अगर क्लैरिटी चाहिए होगी तो थर्ड पार्टी के लिए तो हम लेके आ गए नोटिफिकेशन, पर डिपार्टमेंट के अंदर भी तो हो सकता है ना. क्योंकि देखिए एक एओ जिसने उसके ऊपर काम किया होगा उसको माइट भी आइडिया हो कि इस बिजनेस में ये वाला क्लैरिफिकेशन क्यों लाया होगा. जिसने उसमें काम ही नहीं किया होगा उस बेचारे को तो समझ में ही नहीं आएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है और ये सर्कुलर आया क्यों है. डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट में भी तो कंफ्यूजन हो सकता है बेटा. जब इवन डिपार्टमेंट कैन इंटरप्रीट द सेम इन डिफरेंट मैनर. कई बार ऐसा होता है कि बॉस डिपार्टमेंट जो होता है ये भी कुछ अलग इंटरप्रीट कर लेता है और इसलिए सीबीडीटी comes with circular. Hence CBDT comes with circular. मतलब क्या? जब डिपार्टमेंट के अंदर खुद के अंदर एक क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो, डिपार्टमेंट के अंदर ही क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो, तो CBDT सर्कुलर निकालता है. What is circular? Circular is clarification of any doubt in provisions or rules or whatever. Point to be noted, circular are binding on department and not binding on assessee. Circulars are binding on department and not binding on assessee. Logic is very simple. Binding on department क्यों? क्योंकि department ने उनके ही clarification के लिए वो क्या किया है? Issue किया है. लेकिन आप मुझे बताइए, ये तो department का view हुआ, अलग अलग department का view हुआ जिसको streamline करने के लिए एक circular निकाल दिया कि हर AO इसको यही समझेगा. लेकिन assessee तो इसे different interpret करने का right कभी भी रखता है. अरे हाँ या ना?
डिपार्टमेंट तो अब सर्कुलर आने के बाद इसको स्ट्रीमलाइन में पूरा का पूरा एक ही समझेगा, लेकिन असेसी स्टिल हैज अ राइट टू इंटरप्रिट इन अ डिफरेंट मैनर. हेंस इट इज बाइंडिंग ऑन असेसी एंड नॉट सॉरी इट इज बाइंडिंग ऑन एओ नॉट बाइंडिंग ऑन असेसी. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज सर्कुलर. समझ में आया प्रॉब्लम क्या होती थी और ये वर्ड कहां से आते हैं. सो अनादर वर्ड सर्कुलर. सर्कुलर कौन इशू करता है सर? अगेन इट इज इशूड बाय सीबीडीटी. टू क्लैरिफाई द डाउट इन प्रोविजन ऑब्लिक रूल्स दिस इज एप्लीकेबल मैंडेटरीली टू डिपार्टमेंट एंड नॉट बाइंडिंग ऑन असेसी कोर्ट और ट्रिब्यूनल. आई होप यू नो कोर्ट और ट्रिब्यूनल उनके खुद के इंटरप्रिटेशन होते हैं, तो जरूरी नहीं सीबीडीटी जो इंटरप्रिटेशन दे रहा है वो उनको मानना ही है. असेसी तो वैसे भी फ्री है कुछ और इंटरप्रिट करने के लिए. तो इट इज ऑलवेज बाइंडिंग ऑन एओ दैट इज डिपार्टमेंट एंड नॉट बाइंडिंग ऑन असेसी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल. अच्छा जी ऑल सर्कुलर 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल. अगेन द पॉइंट रिमेन सेम. ऑल सर्कुलर 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल. जैसा नोटिफिकेशन ठीक उसी तरह से सर्कुलर. सर मतलब क्या मुझे सीए फाइनल में एक्ट पढ़ना है? हाँ. सर क्या मुझे रूल्स पढ़ना है? हाँ. सर क्या मुझे नोटिफिकेशन पढ़ना है? हाँ. सर क्या मुझे सर्कुलर भी पढ़ना है? हाँ. सर क्या मुझे अमेंडमेंट भी पढ़ना है? हाँ. तुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तुझे सिर्फ बताया जा रहा है तेरे को इनकम टैक्स पढ़ना है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तेरे को भाई. पर तुझे टेक्निकली 5 चीज़ें पढ़नी है. एक्ट रूल्स सर्कुलर नोटिफिकेशन एंड एनी अदर थिंग. अच्छा जी अब ध्यान से सुनिए एक और बात. ये आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ रहा होगा. ये स्ट्रक्चर समझना कहाँ से पूरे लॉ बनते हैं और एक एक करके क्या पॉइंट आते हैं. तो वापस से एक बार लॉ मेकर ने मेरे भाई लॉ बना दिया, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में गया एक्ट बना दिया. एक्ट बनाने के बाद आई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी. प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए वो लोग लेकर के आए नोटिफिकेशन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए. ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाले ही अपनी अपनी टांग खींच रहे हो. एओ बोलता है मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 20 साल से ये डिपार्टमेंट में हूँ. दूसरा बोलता अबे तेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस होगा लेकिन मैंने इस पर प्रैक्टिकली काम किया है. तीसरा बोलता अरे तुम चिल्लर हो, मैंने आज तक किसी भी इन्हीं की असेसमेंट की है. चौथा बोलता है नहीं 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 जब मैं लॉ पढ़ रहा हूँ तो ऐसा है. इन चीज़ को क्लियर करने के लिए क्या आ जाता? सर्कुलर आ जाता. अब समझना पॉइंट ठीक है. ये तो आपके तरफ से सब प्रॉपर हो गया. असेसी की तरफ से कुछ और भी तो हो सकता है. आपने प्रोविजन के अंदर में लॉ में लिख दिया कंपनी, जनरल इंटरप्रिटेशन में सबने समझ लिया कंपनी, असेसी ने खुद के बेनिफिट के लिए बोला कंपनी मींस डोमेस्टिक या फॉरेन. आगे चल के जैसा कि हम लोग अभी कह रहे थे दैट सर्कुलर इज नॉट बाइंडिंग ऑन एनी कोर्ट, यस और नो? लॉ मेकर ने लॉ तो बना दिया मेरे भाई, लॉ मेकर ने लॉ तो बना दिया, डिपार्टमेंट ने उसे क्लियर कर दिया और ज्यादा क्लैरिटी के लिए यू नो कम्युनिकेशन के लिए नोटिफिकेशन लेकर के आ गए. लेकिन कई बार प्रॉब्लम आता है इंटरप्रिटेशन में, इंटरप्रिटेशन इश्यूज आते हैं. इंटरप्रिटेशन इश्यूज के लिए हमें जाना पड़ता है कोर्ट या तो ट्रिब्यूनल, दैट इज कोर्ट या तो ट्रिब्यूनल. इंटरप्रिटेशन इश्यूज के लिए अगेन हमें जाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि सर्कुलर में बेटा असेसी फ्री है टू इंटरप्रिट इन अ डिफरेंट मैनर. होगा ना ऐसा? पॉसिबल है ना कि डिपार्टमेंट कुछ और बोल रहा है और असेसी को लगता है ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, बिकॉज धंधा असेसी कर रहा है तो उसकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी उसके साथ समझ में आती है. उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकता है, डिपार्टमेंट का इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकता है इस चीज को लेकर के. इस चीज के ऊपर बनता है फिर एक केस, और ये केस बनते हैं कोर्ट केस और ट्रिब्यूनल केसेस. यस और नो? सबसे पहले
ये जाता है ट्रिब्यूनल के अंदर में, और ट्रिब्यूनल के बाद ये जाता है बेटा कोर्ट के अंदर में। यहाँ पे एक ट्रिब्यूनल प्रिपेयर किया गया है जिसको कहा गया है आई टैट, दैट इज इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, राइट, जो स्पेसिफिकली इनकम टैक्स के मैटर को हैंडल करता है, राइट। इसके अलावा कोर्ट, अगर ट्रिब्यूनल से भी फिर मैटर हैंडल नहीं हो रहा तो किसके पास जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं चीज़ों को इंटरप्रेट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। मतलब एक बात आप समझ के रखिएगा, इंटरप्रिटेशन इश्यूज भी हो सकते हैं नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर के बाद, और इन इंटरप्रिटेशंस के ऊपर जब कोई जजमेंट आ जाता है तो जजमेंट बनाता है केस लॉ। क्या बनाता है बेटा, केस लॉ, राइट। केस लॉज अगर सुप्रीम कोर्ट से इशू किया गया होगा, सुप्रीम कोर्ट का होगा, तो इट बिकेम लॉ ऑफ लैंड, वी ऑल नो इट बिकेम लॉ ऑफ लैंड। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, अकॉर्डिंगली वो एक नया लॉ मान लिया जाता है, डीम्ड लॉ मान लिया जाता है अपने आप में, फिर इसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती नहीं। कई बार वेरियस हाईकोर्ट्स इसके ऊपर जजमेंट देते हैं, हाईकोर्ट जो इसके ऊपर जजमेंट देता है ये लॉ ऑफ लैंड नहीं माना जाता, राइट। इसके रूलिंग्स लिए जाते हैं और रूलिंग्स कौन करता है, यूज किए जाते हैं फॉर अमेंडिंग लॉ, फॉर अमेंडिंग लॉ। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगेन इंटरप्रिटेशन के इश्यूज आए, इंटरप्रिटेशन के इश्यूज आए, ये गए कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अंदर में, इनका जो डिसीजन रहेगा उसे हम कहते हैं केस लॉ। केस लॉ गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, केस लॉ कहाँ गए बेटा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अगर पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पहुंच गया तो इट बिकेम लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड बन गया, मतलब अब ये नया एक्ट बन गया डीम्ड, अब इसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक क्या बन गया, ये लॉ बन गया। लेकिन हाईकोर्ट्स की कई रूलिंग्स होती है, आईटैट की कई रूलिंग्स होती है, जिसे अगेन यूज किया जाता है फॉर अमेंडिंग द लॉ, जिसे अगेन यूज किया जाता है फॉर अमेंडिंग द लॉ। यानी कहना है इसे, वन ऑफ द सोर्सेज अवेलेबल विद मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस टू व्हाट मे बी द नेक्स्ट इन लॉ इज एक्चुअली अ बेसिस पॉइंट फ्रॉम हियर। यहां से उन्हें एक बेसिस पॉइंट रेफरेंस मिलता है कि बॉस नहीं, लॉ को फिर एक अमेंडमेंट की जरूरत है, हम जिस लॉ को इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे थे वो कई प्रोसेस से गुजरा, हमने उसे एक्ट बनाया, वो इंप्लीमेंट हुआ, उसमें क्लैरिटी आई, उसके इंटरप्रिटेशन इश्यूज बने, और इंटरप्रिटेशन इश्यूज बनने के बाद उस पर क्या बने, केस लॉज बने, और जब केस लॉज बने, क्लैरिटी ऑफ थॉट आई, कोर्ट बोलता है नहीं यार, ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को समझते हुए ये ऐसा होना चाहिए, रादर देन लॉ मेकर की थिंकिंग। लॉ मेकर एक रूम में बंद होकर के लॉ बनाता है, जबकि जब इसे यू नो ओपनली ओपन किया जाता है तो ये इसके अलग अलग इश्यूज आते हैं, यस और नो, तो जाकर के इनके पास अगेन एक बेसिस बन जाता है कि लॉ ऐसा होना चाहिए और इसमें ये चेंजेस आने चाहिए। हेंस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड अदर थिंग अगेन इसे नेक्स्ट बजट के टाइम पे थॉट देते हैं कि क्या इसमें सच में चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ अमेंडमेंट्स आर थॉट। और कोई भी अमेंडमेंट्स जब आते हैं बेटा, वो इन्हीं चीज़ों को समझ करके आते हैं कि लॉ मेकर ने लॉ बनाया लेकिन आज के टाइम पे उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कोर्ट इसे बाद में क्लियर करता है इफ एनी, और इसको समझते हुए ये उनका क्या बन जाता है, अगेन ऊपर के लिए एक बेसिस बन जाता है। ये फिर बार बार बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में नहीं आएगा, कई बार इसे बजट के थ्रू लाया जाता है और कई बार इसे एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, लॉ मेकिंग, लॉ, ध्यान से सुनिए, लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटिंग एंड लॉ इंटरप्रिटिंग, ये तीन विंग बनते हैं, लॉ मेकर्स, लॉ इम्प्लीमेंटर्स एंड लॉ इंटरप्रेटर्स, ये तीन एंगल बनते हैं किसी भी जगह के। आप इसे लॉ में अप्लाई कर लो, आप इसे डीटी में अप्लाई कर लो, आप इसे जीएसटी में अप्लाई कर लो, यू अप्लाई इट एनीवेयर, द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। समझ में आया पूरा कहां से चलता होगा प्रोसेस, आई होप एक क्लैरिटी आ रही होगी बहुत जबरदस्त कि बस ये ऐसा घूमता होगा तब जाके ये ऐसा बनता होगा। क्लियर है सर? तो सर इनकम टैक्स एक्ट देखिए, पढ़ते पढ़ते हम कहाँ तक पहुँच गए, पढ़ रहे थे इनकम टैक्स एक्ट, वहाँ से गए नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन से गए बजट, बजट से गए कैसे ये एक एक चीज़ आती है, यहाँ से हम लोग कहाँ चले गए, सर्कुलर के अंदर चले गए, सर्कुलर के अंदर से कोर्ट के अंदर घुस गए, कोर्ट से निकल के कहाँ से वापस लॉ बना होगा, यहाँ तक के वापस आ गए। ओके सर, सर कुछ और बातें, सर अब आ जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर भी। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस, पहला डेफिनेशन
पर्सन का डेफिनेशन, दैट इज 231, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि 10 बार ये वर्ड आएगा पर्सन, और इसी के साथ साथ एक और डेफिनेशन असेसी, राइट? पर्सन और असेसी ये दो अलग अलग वर्ड है, ध्यान से सुनिए। जब हम हेड्स कंप्यूट करते हैं तो वर्ड यूज होता है पर्सन, जब हम असेसमेंट का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो वर्ड यूज होता है असेसी। वापस से आई रिपीट, जब हम इनकम कंप्यूट करते रहते हैं तो वर्ड यूज होता है पर्सन, जब हम असेसमेंट करते रहते हैं तो वर्ड यूज होता है असेसी, और दोनों भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज अ पर्सन? पर्सन मींस इंडिविजुअल, जिसके अंदर में मेल कवर्ड है, फीमेल कवर्ड है, ट्रांसजेंडर कवर्ड है, एनी लिविंग एंटिटी, नेचुरल एंटिटी, नेचुरल एंटिटी, इंडिविजुअल, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, सीनियर, चाइल्ड, एवरीबडी इज कवर्ड। जो भी लिविंग एंटिटी नेचुरल है वो कवर्ड है, इंडिविजुअल। सेकेंड है बेटा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड फर्म, एंड फर्म इंक्लूड्स LLP, फर्म एंड फर्म इंक्लूड्स LLP। बॉस, फर्म एंड LLP दीज आर कवर्ड अंडर द सेम कॉन्सेप्ट, इवन दो LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, हम MCA के थ्रू जाकर के इनको इनकॉर्पोरेशन करते हैं, बट स्टिल इनकम टैक्स में इसे फर्म का ही दर्जा दिया गया है। चौथा है बॉस कंपनी, कंपनी के अंदर में दोनों कंपनी कवर्ड है, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। सो इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी। पांचवा है AOP, BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नाउ व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन? एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स टू और मोर एंटिटी कमिंग टुगेदर टू ऑपरेट अ सिमिलर बिजनेस, टू ऑप्टेन अ, टू कंडक्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस इज कॉल्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। येस और नो? द मेजर ऑब्जेक्टिव मे और मे नॉट बी प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, जरा ध्यान से सुनिएगा, दो लोग आए, दो लोगों को पुणे मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट मिला, राइट? दो लोग अब मिलकर अगर इसे जॉइंटली एग्जीक्यूट करते हैं तो एक सवाल उठता है, आर दे पार्टनरशिप? अब मान लो उनने पार्टनरशिप में फॉर्मली एंटर नहीं किया, पर काम दोनों मिलकर कर रहे हैं और प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, देर इज अ कॉमनिटी ऑफ इंटरेस्ट, देर इज अ कॉमनिटी ऑफ इंटरेस्ट, तो हम उसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। मतलब टू पीपल वर्किंग टुगेदर एंड शेयरिंग द प्रॉफिट, बट विदाउट एनी पर्टिकुलर पार्टनरशिप डीड, वी कॉल इट एज AOP। सेकेंड इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। वॉट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल? इट कंसिस्ट ओनली ऑफ इंडिविजुअल, इट कंसिस्ट ओनली ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर माइट बी मेकिंग एन एसोसिएशन फॉर अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। मजदूर यूनियन संघ, ICAI, ICSI, दीज आर द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं और इन लोगों ने मिलकर के एक एसोसिएशन बनाया हुआ है। ये सुनो, अच्छा जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, मजदूर यूनियन संघ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, इट इंक्लूड म्युनिसिपल, पंचायत एटसेट्रा, लोकल अथॉरिटीज, राइट? और जो कहीं नहीं आता वो आता है AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर कोई भी व्यक्ति 6 में कवर नहीं हुआ तो उसको 7 में कवर कर लिया जाता है बाय डिफॉल्ट। फॉर एग्जांपल, अ ट्रस्ट, आप देखेंगे ट्रस्ट कहीं भी पर्सन की डेफिनेशन में नहीं है। अगर ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ तो हम इसे AOP BOI में डाल सकते हैं। यही ट्रस्ट बना है पर इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, आप उसे AJP में डालते हैं। ध्यान से सुनिए, यही ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो गया AOP BOI में डाल दो, अनरजिस्टर्ड है AJP में डाल दो। कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप देखिए डेफिनेशन में कहीं कवर्ड नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगेन रजिस्टर्ड है AOP BOI में क्लासिफाई कर, रजिस्टर्ड नहीं है AJP में क्लासिफाई कर दे। क्लियर है? यह पर्सन याद रखने का बहुत सिंपल तरीका, 7 लोग है पर्सन के डेफिनेशन में, 2 × 3 = 6 + 1 = 7, 7 लोग है। और कैसे याद रखा जा सकता है? इधर देख मेरे भाई, आई दैट इज इंडिविजुअल, जॉइंट हिंदू फैमिली, फर्म, फर्म में मिनिमम 2 लोग लगते, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जनरली कैरिड आउट, इंडिविजुअल, HUF, फर्म,
कंपनी एओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी आसपास जितना कुछ है ये सब किसका है, लोकल अथॉरिटी का है, और कुछ नहीं तो एजेपी एनी अदर जुडिशियल पर्सन। कैसे कैसे वापस बोलो, इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म कंपनी एओपी बीओआई लोकल अथॉरिटी एजेपी राइट। नाउ व्हाट इज असेसी, पहला एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स रिप्रेजेंटेटिव असेसी एंड असेसी इन डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर ट्रस्टी, फॉर एग्जाम्पल पर्सन हु फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस और पेट। सो एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे द टैक्स रिप्रेजेंटेटिव असेसी एंड असेसी इन डिफॉल्ट। ना अंडरस्टैंड, असेसी की डेफिनेशन में पहला ही वर्ड जो चालू हो रहा है राइट, ध्यान से सुन मेरे भाई, असेसी की डेफिनेशन में जो पहला ही वर्ड चालू हो रहा है वो चालू हो रहा है इन पर्सन। तो एक बात जो हमें एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट असेसी, ये बात क्या खरी उतरती है? यस, क्योंकि देखिए एवरी असेसी इज अ पर्सन, ये तो बाय डेफिनेशन में ही आ गया, बट हर पर्सन असेसी नहीं, क्यों? बिकॉज ही मे और मे नॉट बी लायबल टू पे द टैक्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अ पर्सन वीजे जिसकी सालाना इनकम है 240,000 रुपए। अब आप मेरे को बताओ मेरे भाई, मैं नेचुरल पर्सन हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, नेचुरल हूं, तो मैं पर्सन की डेफिनेशन में तो आ गया, लेकिन एम आई लायबल टू पे द टैक्स? नो, तो मैं असेसी की डेफिनेशन में नहीं आया। सो एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट अ असेसी, जरूरी नहीं, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ही मे और मे नॉट बी एन असेसी, यस और नो। यही अगर अब मेरी इनकम लेट से 12,00,000 रुपए हो गई, तो मैं बेटा पर्सन तो हुई हूं और मैं असेसी भी बन गया। तो एवरी असेसी इज अ पर्सन, हर असेसी पर्सन जरूर होगा, लेकिन एवरी पर्सन असेसी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि क्या उसकी लाइबिलिटी टू पे टैक्स आ रही है या नहीं आ रही है, पॉइंट पहला। दूसरा, रिप्रेजेंटेटिव असेसी इज ऑल्सो एन असेसी। रिप्रेजेंटेटिव असेसी मतलब क्या बेटा, मान ले कंपनी, तूने पर्सन की डेफिनेशन में तो बोल दिया, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट शुरू करी, क्या कंपनी आएगी असेसमेंट करने के लिए या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पे कोई डायरेक्टर आएगा उस कंपनी के बिहाफ पे असेसमेंट करने के लिए? डायरेक्टर आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव असेसी। तो कंपनी के केस में नोटिस जो इशू की जाती है वो रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे इशू की जाती है। तीसरा है असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी इन डिफॉल्ट। अब मुझे एक बात बता बॉस, कई बार ऐसा भी होता है दैट यू आर लायबल टू पे द टैक्स बट यू डिडंट पे द टैक्स और अवॉइड टू पे द टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर ये पता चल गया, दे नो यू फेल टू डिडक्ट द टैक्स और यू फेल टू पे इट, किसी भी तरीके से अगर उनको पता चल गया, दे हैव देयर ओन मैकेनिज्म, यू आर पर्सन और नॉट, यू आर पर्सन और नॉट इन देयर आई, क्योंकि अब तक हो सकता है आपने रिटर्न ना भरा हो, टैक्स चोरी की हो, वो आपको स्ट्रेट अवे असेसी इन डिफॉल्ट के डेफिनेशन में डाल देंगे और आपके ऊपर नोटिस इशू करेंगे और असेसमेंट करना शुरू कर देंगे। उनकी नज़रों में अब आप क्या बन गए? असेसी बन गए। उनकी नज़रों में अब आप क्या बन गए? असेसी बन गए। तो एवरीबॉडी, पर्सन की डेफिनेशन, व्हाट इज अ पर्सन? पर्सन मीन्स एन इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म कंपनी लोकल अथॉरिटी एओपी बीओआई एजेपी। व्हाट इज असेसी? असेसी में के तीन मीनिंग, एवरीबॉडी, पहला एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स, रिप्रेजेंटेटिव असेसी एंड असेसी इन डिफॉल्ट, क्लियर है? एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट अ असेसी। अच्छा जी, ये दो डेफिनेशन के बाद आपको एक और डेफिनेशन समझाई जाए, सर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। मुझे पता है मैं थोड़ा बेसिक्स में जा रहा हूँ, पर मुझे ये भी पता है कि आर्टिकलशिप के चलते तुम ये सब भूल चुके होंगे और थ्योरी आता है आज के तारीख में, थ्योरी आता है बॉस आज के तारीख में। चलो
प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन कवर्ड है सेक्शन 3 के अंदर में, ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन कवर्ड है सेक्शन 3 के अंदर में। चलो, कैन यू टेल मी व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर? एनी ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। हर ईयर जो असेसमेंट ईयर के पहले होगा, हर ईयर जो असेसमेंट ईयर के पहले होगा उसे हम कह देंगे बॉस प्रीवियस ईयर। बहुत ही तूफान डेफिनेशन, भांग खा के बनाई हुई इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए। हर ईयर जो प्रीवियस ईयर के पहले होगा, राइट, उसे हम क्या कह सकते हैं? असेसमेंट ईयर के पहले होगा उसे हम क्या कह सकते हैं? बॉस प्रीवियस ईयर कह सकते हैं। अपने शब्दों में समझने के लिए, द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, वो ईयर जिस ईयर में आपने इनकम कमाई, टेक्निकली हम उसको बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर। वो ईयर जिसमें आपने इनकम कमाई उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रीवियस ईयर। आप सभी लोगों के लिए बेटा, चाहे आप मई दे रहे हो या आप नवंबर दे रहे हो, आपके लिए प्रीवियस ईयर है 18-19। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्या है? 18-19 बाय डिफॉल्ट कॉमनली पूरे चैप्टर्स में। व्हाट इज असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। हमने असेसी का डेफिनेशन भी नहीं लिखा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 असेसी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 असेसमेंट ईयर इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April, एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April टू 31st March इज द असेसमेंट ईयर। इट इज सिंपली द ईयर इन विच टैक्सेस पेड। थर्ड, आपके लिए कॉमन असेसमेंट ईयर है बेटा 1920। याद रखिएगा प्रीवियस ईयर 1819, और हर प्रॉब्लम में आपका आंसर आप असेसमेंट ईयर 1920 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉमनली याद रख लेना। तो कैन आई से इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर? एंड देयर अराइज अ जनरल रूल, एंड देयर अराइज अ जनरल रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। पर क्या हर केस में? आंसर इज नो, देर आर सम एक्सेप्शंस। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, बट यस देर आर सम एक्सेप्शंस। पहला, एओपी बीओआई formed for short duration, AOP BOI formed for short duration। सर मतलब क्या? कोई भी AOP BOI अगर short duration के लिए बनता है, फॉर example गणपति के चंदे आते, गणपति के मंडल बनते, नवरात्रि के मंडल बनते, राइट, आया short duration के लिए बना, इस short duration में भी उसको income आ रही है, उनके ऊपर लाइबिलिटी है, उस साल का रिटर्न भी भरे और उस साल का टैक्स भी भरे, इनके लिए नेक्स्ट ईयर तक के पे नहीं होगा। यानी कहना इसे, इन एक्सेप्शंस वालों के लिए कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं जहां असेसमेंट ईयर इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर, यानी इन्हें प्रीवियस ईयर में ही क्या पे कर देना पड़ता है? टैक्स पे कर देना पड़ता है। तो पहला, एओपी बीओआई फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। दूसरा, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। मान लीजिए कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन पोर्ट पे आया, यहां से गुड्स एंड इनकम लेकर के निकल रहा है, गुड्स पर्सन लेकर के निकल रहा है, फ्री में लेके जाएगा नहीं, पैसे कमाएगा, क्या गारंटी है नेक्स्ट साल ये वापस आएगा? कोई गारंटी नहीं है नेक्स्ट साल ये वापस आएगा। हेंस नॉन रेसिडेंट शिपिंग जब पोर्ट छोड़ती रहती है तो इन्हें एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, नो ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तीसरा, क्लोजर ऑफ बिजनेस। पर्सन
ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। क्लोजर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या बेटा? क्लोजर ऑफ बिजनेस, अगर आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको जो आपकी बकाया टैक्स राशि है वो आपको पे करना पड़ता है। पैन सबमिशन के पहले आपको ये करना पड़ता है, पैन रीसबमिट जब आप करते हो डिपार्टमेंट में तब आपको ये करना पड़ता है। दूसरा, पर्सन ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स। अगर ऐसा कभी भी लगता है कि कोई व्यक्ति यू नो टैक्स अवॉइड कर रहा है और इसके लिए वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स कर देगा जिस प्रीवियस में वो ऐसा करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, क्लबिंग प्रोविजन, अगर उसको ऐसा लगता है कि क्लबिंग के तहत आप अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे रहे हैं और उसको ये समझ में आ जाता है, तो वो जिस साल उसको समझ में आया उस साल ही वो क्या कर देगा, आपके टैक्स कर देगा, अज्यूमिंग इट एज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। पर्सन लिविंग इन इंडिया परमानेंटली, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, अगर कोई व्यक्ति है बॉस जो इंडिया ही छोड़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति है जो इंडिया ही छोड़ रहा है परमानेंटली, तो उसे उस साल का टैक्स उसी साल में दे करके जाना पड़ेगा। सर, आपके मन में सवाल उठेगा, डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि वो पर्सन इंडिया छोड़ रहा है पिछले साल में? बेटा क्यों, उसको परमानेंट वीजा लेने के लिए डिक्लेरेशन देना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर में एंड वीजा ऑफिस के अंदर में आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आप परमानेंटली जा रहे हो, और इसके लिए आपको इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है जो पूरा टैक्स पे करने के बाद ही मिलता है। उस साल आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। सो 1, 2, 3 गो। क्या पढ़ा हम लोगों ने? हम लोगों ने अगेन कुछ और चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले प्रीवियस ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, आपके लिए कॉमनली 18-19। असेसमेंट इज द ईयर इज विच टैक्स इज पेड, हेंस जनरल रूल अराइज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। लेकिन इसके कितने एक्सेप्शन है मालिक? 5। सर कैसे याद रखा जा सकता है ये प्रोविजन? ये प्रोविजन थ्योरी में पूछा जाता है, राइट? कैसे याद रखा जा सकता है ये प्रोविजन? मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, याद करना। एक दिन हुआ क्या, राइट, एक बच्चा गणपति डांस कर रहा था बीच पे, बीच पे क्या कर रहा था, गणपति विसर्जन में गणपति डांस कर रहा था। इतने में शिप आई। कौन आई? शिप। शिप से उतरी एक सुंदर कन्या। शिप से कौन उतरी? एक सुंदर कन्या। सुंदर कन्या ने उस लड़के को देखा, उस लड़के के पास गई, लड़के के पास जाकर बोले, ओ भाई तुम कितने हैंडसम हो, तुम इंडिया में क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें रॉक स्टार बनाऊंगी। लड़का खुश दीदी को देख के बोले, हाँ चलो ना, मैं बस एक काम करके आता हूँ, मैं अपना सारा सामान बेच के आता हूँ और दुकान बंद करके आता हूँ, फिर जिधर चलना है चलो। जैसे ही वो वापस आया, लड़की उसे कहती है, मुझे तुमसे 2 वादे चाहिए, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे और इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा कभी नहीं आओगे। वापस बोलो स्टोरी पूरी की पूरी। सबसे पहले क्या करता रहता, एक लड़का गणपति डांस करता रहता। इतने में कौन आई? सुंदर कन्या नहीं, शिप। कौन आई? शिप। शिप से उतरी सुंदर कन्या। सुंदर कन्या ने उसे बोला कि मैं तुझे क्या बनाऊंगी? रॉकस्टार बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? रॉकस्टार बनाऊंगी। लड़का बोला, मैं 2 काम करके आता हूं, अपना सारा सामान बेच के आता हूं, अपनी दुकान बंद करके आता हूं। जैसे ही ये वापस आया लड़की बोली, मुझे तुमसे 2 वादे चाहिए, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा कभी नहीं आओगे। पहला, गणपति से याद आएगा एओपी बीओआई फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। इतने में कौन आई थी? शिप। लड़का कितने काम करके आता है? 2। क्लोजर ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, मैं अपना सारा सामान बेच के आता हूं, अपनी दुकान बंद करके आता हूं। जैसे ही वो वापस आया, लड़की उससे 2 वादे मांगती, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, बकवास पॉइंट, इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा कभी नहीं आओगे, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। यस और नो? बेटा चीजों को पढ़ने के अलग तरीके भी हो सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए दैट दिस सब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी अ फन, जरूरी नहीं है। हेंस आई ऑलवेज से रोमांसिंग द टैक्सेशन बिकॉज दिस सब्जेक्ट कुड बी अ फन। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज को मगअप ही करना है। नो, डोंट मग इट अप, एक्चुअली रोमांस विद इट, आप उसके साथ मजे भी कर सकते हो। मालिक क्लियर है? ओके, सो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस्ड पर्सन 231, वी हैव डिस्कस्ड असेसी 27, वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियस ईयर, वी हैव डिस्कस्ड असेसमेंट ईयर, वी हैव डिस्कस्ड द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर एंड देयर एक्सेप्शंस। क्लियर है दोस्त? ओके, आइए
ये तो हो गया एकदम बेसिक्स। अच्छा जी, अब बात करते हैं टैक्स रेट्स की। सर टैक्स रेट्स कहाँ लिखे हैं? टैक्स रेट्स कहाँ लिखे हैं? हाँ, इनकम टैक्स एक्ट में। आंसर इज नो, सारे रेट्स इनकम टैक्स में नहीं लिखे। बेटा इनकम टैक्स में दो तरीके के रेट है, ध्यान से समझ। नॉर्मल रेट, स्पेशल रेट। नॉर्मल रेट आर कवर्ड इन फाइनेंस एक्ट शेड्यूल वन, जिसे हम कहते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक के इतना, उसके ऊपर इतना, उसके ऊपर इतना। द स्लैब रेट्स, स्लैब रेट्स आर नॉट गिवन इन इनकम टैक्स, दीज आर गिवन इन फाइनेंस एक्ट शेड्यूल वन। शॉक लगा? लगता है ना बेसिक पढ़ना चाहिए। फाइनल में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक भूल जाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टीडीएस के रेट्स भी यहीं लिखे हुए होते हैं, और वो होते हैं शेड्यूल टू के अंदर में। यानी टीडीएस का जो रेट होता है, ये भी आपको फाइनेंस एक्ट में मिलता है। आज जाना और अपने दोस्त की मजा लेना, बोलना बता इनकम टैक्स एक्ट के रेट कहाँ लिखे हुए हैं। वो बोलेगा अबे इनकम टैक्स में। उसको बोलना अबे चिल्लर, वहां नहीं लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं? फाइनेंस एक्ट के अंदर में। आपको नहीं लगता साहब ये एमसीक्यू बन सकता है? दीज आर एमसीक्यूज। इनकम टैक्स में दो तरीके के रेट होते हैं, एक होता है नॉर्मल रेट, दूसरा होता है स्पेशल रेट। नॉर्मल रेट आर गिवन इन शेड्यूल वन टू फाइनेंस एक्ट। नॉर्मल रेट आर गिवन इन शेड्यूल वन टू फाइनेंस एक्ट। टीडीएस रेट आर गिवन इन शेड्यूल टू टू फाइनेंस एक्ट। एंड स्पेशल रेट्स आर गिवन इन इनकम टैक्स एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15%। समझ में आ रहा है? स्पेशल रेट्स सब इनकम टैक्स में लिखे हुए हैं, नॉर्मल स्लैब रेट्स कितने पे कितना कितने पे कितना, ये सब फाइनेंस एक्ट के अंदर में लिखे हुए हैं। तो आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन से, क्या पूरे के पूरे रेट इनकम टैक्स में लिखे हैं? आपका आंसर होना चाहिए फॉल्स। क्या पूरे के पूरे रेट फाइनेंस एक्ट के अंदर में लिखे हैं? तब भी आपका आंसर होना चाहिए फॉल्स। नॉर्मल रेट कहाँ लिखे है? फाइनेंस एक्ट। स्पेशल रेट कहाँ लिखे है? इनकम टैक्स एक्ट। इसीलिए इसके लिए एक सेक्शन डेडिकेटेड है, 112 111A। कुछ नया मिला? मजे करो फिर। तो टैक्स रेट्स दो जगह लिखे है। टीडीएस का रेट शेड्यूल टू के अंदर में लिखा है, ये याद रखिएगा। ये भी एमसीक्यू बनता है बॉस। अब एमसीक्यू आने के कारण आपको थोड़ा सा केयर लेकर के चलना पड़ेगा, और अगर आपको एमसीक्यू एप्लीकेबल नहीं है, बट आई थिंक सभी को एप्लीकेबल हो चुका है पूरे के पूरे, चाहे आप ओल्ड कोर्स में हो न्यू कोर्स में, असेसमेंट का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अब आपको ये सारी चीजें, पहले आप इतना ध्यान नहीं देते थे तो चलता था, अब फाइनल में एक एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो बेटा देखो 30 तो यहां से खींचने हैं, समझ रहा है? देखो 30 यहां से खींचने, तो देखो एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। और एमसीक्यू नहीं भी रहता तो एज अ सीए तेरे को इतने पॉइंट तो ध्यान रखना ही चाहिए कि ये कहाँ से आता है। कल चल के सीए बन जाएगा और किसी ने पूछ लिया बेटा रेट का है, इंटरव्यू में ही पूछ लिया रेट का है, साले खुद को पता नहीं रेट का है। क्लियर है? ओके बॉस। सो ये आए टैक्स रेट्स की बात। चलिए अब जब टैक्स रेट्स की बात निकली है तो हमें टैक्स भी समझना पड़ेगा। क्लियर है? आ जाओ सर, मैं एक चार्ट बना रहा हूं, इस चार्ट के लिए आपको लगेगा कंप्लीट डबल पेज। यस और नो? कंप्लीट डबल पेज ले लीजिएगा, और कंप्लीट डबल पेज, उससे कम मत लीजिएगा, क्योंकि ये लगने वाला है। मैं एक ही चार्ट ऐसा बना करके देता हूँ कि जिसके अंदर में आपका सब कुछ कवर हो जाए, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। टैक्स है, डबल पेज ले लो, बिल्कुल लग जाएगा डबल पेज, पूरा डबल पेज। राइट, एक उस साइड करना लेफ्ट साइड में, एक बीच में करना और एक राइट साइड में करना। इंडिविजुअल रेसिडेंट बिलो 60, नॉन रेसिडेंट
इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AJP. इंडिविजुअल रेसिडेंट 60 एंड अबव अप टू 80 ईयर्स. इंडिविजुअल रेसिडेंट 80 ईयर्स एंड अबव अप टू 2.5 लाख टू 5 लाख 5% 5 लाख टू 10 लाख 20% अबाउट 10 लाख 30% सीनियर सिटीजन अप टू 3 लाख nil 3 lakh to 5 lakh 5% 10,000 5 lakh to 10 lakh 20% 1 lakh 10,000 above 10 lakh 30% up to 5 lakh nil 5 lakh to 10 lakh straight 20% shortcut 1 lakh डन. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. सबसे पहले इस पार्ट पे आते हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट बिलो 60. एक व्यक्ति जो रेसिडेंट है और बिलो 60 है, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, चाहे वो 60 का हो, 80 का हो, 90 का हो, कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज. HUF, AOP, BOI, AJP. इनफैक्ट HUF, AOP, BOI, AJP के लिए भी ये रेट है. अप टू 2.5 लाख रुपए. एम आई टॉकिंग अबाउट टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम? आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल इनकम, नॉट ग्रॉस टोटल इनकम. सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम एंड ग्रॉस टोटल इनकम? आ जाओ, मैं ये भी बता देता हूँ. सर, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम इज
इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड्स आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स ऑफ क्लबिंग एंड सेट ऑफ. इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड्स आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट्स फॉर क्लबिंग एंड सेट ऑफ बिकेम ग्रॉस टोटल इनकम. व्हाट इज टोटल इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. 6A 80C to 80U वाले. दिस विल बिकेम माई टोटल इनकम. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बॉस. ग्रॉस टोटल इनकम में आप डिडक्शन माइनस नहीं करते. टोटल इनकम में आप डिडक्शन माइनस करके जो इनकम आता है वो आता है. देखिए क्या होता है, ये आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता हो, लेकिन क्या होता है कई बार प्रॉब्लम में बच्चे ये गलती करते हैं. हमारे पास यू नो वी स्मार्ट के अंदर में टेस्ट सीरीज विंग भी है. हम टेस्ट सीरीज के अंदर भी जब देखते हैं तब हमारे को समझ में आता है कि बॉस बच्चों को लिखा है ग्रॉस टोटल इनकम, वो टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं. बच्चों को लिखा है टोटल इनकम, वो GTI कैलकुलेट करके आ रहे हैं. मतलब ये उनको समझ ही नहीं आता. और प्रॉब्लम क्या है, आर्टिकल शिप में हम लोग डील करते हैं सॉफ्टवेयर में. 2 साल हो गए आपने IPCC छोड़े हुए, ये सारी चीज़ें पढ़े हुए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. IPCC के बाद जब आप सॉफ्टवेयर्स पे गए तो आपने इतना दिमाग ही नहीं लगाया, आपने सिर्फ वो सॉफ्टवेयर्स के अंदर में एक्सेल्स के अंदर में इनकम भरी, काम खत्म कर दिया. नीचे ऑटोमेटिक आ जाता था तो आपने कभी उतना ध्यान ही नहीं दिया, आप सिर्फ फाइनल फिगर पे ध्यान देते थे. लेकिन अब तो आपको इसे सॉल्व करना, और इसी के लिए आपको ये एक एक चीज़ें पता होनी चाहिए. और मैं एज एन एवरेज स्टूडेंट, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मेरे को पता था जब मैं फाइनल में आया आर्टिकलशिप के बाद एग्जाम देने के लिए मेरे को कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, क्योंकि ये छोटे 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 पॉइंट थे जो मैं भूल जाता था. और अगर आपके साथ ऐसा और आपके दोस्त के साथ भी ऐसा है, प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि बॉस ये चीज़ें हैं. तो चलिए हम बात कर रहे हैं टोटल इनकम की. टोटल इनकम ये एक महीने की या साल भर की? साल भर की. इनकम टैक्स इज एन एनुअल कॉन्सेप्ट. अप टू 2.5 लाख रुपए आपको कोई टैक्स नहीं देना, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक के टैक्स रेट 5%, शॉर्टकट इज 12,500. आप निकाल के देख सकते हैं, 5 लाख में से 2.5 लाख निकाल दीजिए, जो बचा 2.5 लाख इस पे 5% कैलकुलेट करके देखिए, आएगा 12,500 रुपए, राइट. 5 लाख से 10 लाख का जो गैप है इस पे आपका टैक्स रेट सीधा 20%. पॉइंट टू बी नोटेड, ये पहले 10 हुआ करता था, ये 5 हो चुका है. ये पहला अमेंडमेंट, ये पहले रेट हुआ करता था 10%, अब ये है 5%. 5 से 10 20%, और 10 के ऊपर 30% स्ट्रेट अवे. दूसरा है रेसिडेंट इंडिविजुअल. ये जो दूसरा है ये सिर्फ रेसिडेंट वालों के लिए है, जो व्यक्ति रेसिडेंट कहला रहा है. रेसिडेंट मतलब बेटा वो ROR भी हो सकता है, RNOR भी हो सकता है. रेसिडेंट मतलब वो ROR भी हो सकता है, RNOR भी हो सकता है. पड़ा पड़ा सा लग रहा है ऐसा कुछ रेसिडेंशियल स्टेटस में, नहीं तो वो आएगा, रुकना. रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर में अगर वो व्यक्ति रेसिडेंट हो जाता है 60 and above, .60 आप इधर आ जाएंगे. अप टू 3 लाख nil, 3 लाख से 5 लाख अगेन 5%, ये अगेन स्टार मार्क. ये भी पहले 10% हुआ करता था, 5% है. 5 लाख से 10 लाख 20% एंड अबाउ 10 लाख 30%, शॉर्टकट बाजू में दिया हुआ है. अगर कोई व्यक्ति 80 रेसिडेंट है और 80 एंड अबाव, पहली बात बेटा इस लैब में आने के लिए 3 कंडीशन है. पहला, आप जिंदा होने चाहिए, आपकी कुछ इनकम होनी चाहिए, और ये इनकम 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए. अप टू 5 लाख इनको कोई टैक्स नहीं है. 5 लाख से 10 लाख स्ट्रेट अवे 20%, यानी सीनियर सिटीजन का स्लैब ही डायरेक्टली कितने से चालू होता है, 20% से. शॉर्टकट 1 लाख, दैट इज 10 लाख माइनस 5 लाख, बचते 5 लाख. 5 लाख पे 20% 1 लाख रुपए, यानी 10 लाख तक इन्हें स्ट्रेट टैक्स आने वाला है 1 लाख. एंड अबाउ 10 लाख 30% तो कॉमन ही है. क्लियर है सर? ओके. अब इसी चार्ट के नीचे मैं आपको 6 पॉइंट्स बता रहा हूँ टैक्स कैलकुलेशन के, ध्यान से सुनना. आप 1, 2, 3 में डिवाइड करके लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको एक ही लंबी लाइन लिखनी, आप 3 में डिवाइड करके लिखिए. लेकिन बनते कोशिश इस चार्ट के नीचे ही लिखिएगा, ताकि जब आप टैक्स कैलकुलेशन पढ़े तो सब कुछ एक साथ दिखे आपको, ठीक है. इसी के नीचे लिखिए माई नोट. क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स होता है? नहीं, टैक्स में एक कंसेप्ट भी होता है बेटा, रिबेट. रिबेट अंडर सेक्शन 87A. सर व्हाट इज रिबेट एग्जैक्टली? रिबेट इज टेक्निकली डिस्काउंट. डिस्काउंट फ्रॉम व्हाट? डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी समझ में आया भारत के लोगों को डिस्काउंट की बहुत आदत है, उन्होंने ये ला लिया। इसकी कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है, असेसी शुड बी इंडिविजुअल, असेसी शुड बी रेसिडेंट, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 3,50,000, तो रिबेट कितने मिलेगा, रिबेट इज इक्वल टू लोअर ऑफ पॉइंट नंबर ए 100% ऑफ टैक्स, पॉइंट नंबर बी ₹2,500। माइट भी बेटा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार मैं सीए फाइनल में हूँ, क्या मुझे बचकानी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, मैं ये बचकानी चीज़ें अगर आपको लग रही है तो मैं आपको इसे सही टाइम पे ज़रूर बताऊँगा, जब प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि यार ये कितने काम की चीज़ है। एंड आई एम प्रिटी श्योर फाइनल में आके तुमने ये सब नहीं पढ़ा है, पर ये सब ज़रूरी है टैक्स कैलकुलेशंस में पूरे के पूरे। पहली चीज़, असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए, मतलब नॉन रेसिडेंट HUF AOP BOI इन सबको रिबेट मिलता नहीं। दूसरा, वो रेसिडेंट होना चाहिए, इन शॉर्ट नॉन रेसिडेंट को ये रिबेट मिलता नहीं। तीसरा, टोटल इनकम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर, टोटल इनकम, जब मैं टोटल इनकम की बात कर रहा हूँ तो मैं इसमें बात कर रहा हूँ नॉर्मल प्लस स्पेशल सब मिला के, नॉर्मल प्लस स्पेशल सब मिलाकर के 350। सर स्पेशल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन PGBP ये सब मिला के 350 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड रिबेट कितना मिलेगा, 100% ऑफ टैक्स और 2,500 विच एवर इज लोअर, यानी द मैक्सिमम रिबेट अवेलेबल इज 2,500। ये MCQ पे आ सकता है, सेक्शन नंबर MCQ पे आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट आ सकता है, क्या नॉन रेसिडेंट को रिबेट मिलेगा, क्या HUF को रिबेट मिलेगा, क्या ये कॉन्सेप्ट MCQ में आ सकता है। ओके सर, सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट वॉज रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। क्या सिर्फ रिबेट लगता है, नहीं बेटा, इसके अलावा सेस भी लगता है, याद करो सेस, बेटा सेस कितना परसेंट है, हाँ जी बेटा, पहले इसे कहा जाता था सेस। सर सेक्स, व्हाट इज एग्जैक्टली द सेक्स, सेस इज अ लेवी एंड दैट लेवी इज मैंडेटरी लेवी, सेस इज अ मैंडेटरी लेवी, मतलब आप चाहे ना चाहे, प्रॉब्लम में बोला हो नहीं बोला हो, आपको ये लगाना पड़ेगा, सेस इज मैंडेटरी। अच्छा जी सर, इसमें रिसेंटली अमेंडमेंट आया है फाइनेंस एक्ट 2018 से, फाइनेंस एक्ट 2018 से इसमें एक लेवी ऐड हो चुकी है। पहले जो सेस हुआ करता था, ध्यान से सुनना, पहले हुआ करता था 3%, जिसके अंदर में दो पार्ट थे, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, पहले हुआ करता था 3%, इस साल से इसे 3% से घटा करके कर दिया, बढ़ा करके कर दिया गया है 4%, और इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हो HEC, या सेस भी लिखोगे तो भी चलेगा। 1% से सेस बढ़ा दिया गया है, 1% से सेस बढ़ा दिया गया है, क्यों बढ़ाया उसके पीछे का लॉजिक है, क्यों बढ़ाया उसके पीछे का लॉजिक है, लॉजिक ये है कि सरकार, मोदी सरकार ने, जो करंटली सरकार चालू है, मोदी सरकार ने क्या किया था, हेल्थ को प्रायोरिटी दी थी 2014 के बजट में, और हेल्थ सेगमेंट को कवर अप करने के लिए उनको एक फंड की जरूरत थी, जो फंड उन्होंने कलेक्ट किया सेस के नाम पे, और अब सेस 3% नहीं हो चुका है, ये 4%, एग्जाम में बुलाओ नहीं बुलाओ आपको बाय डिफॉल्ट अप्लाई करना है, और पहले आप सिर्फ सेस लिखते थे, अब आप HEC लिखिए, या आज भी आप सेस लिखेंगे तो चलेगा, पर 3% की जगह 4%। इस कारण होगा ये कि जो बच्चे नवंबर देकर के आए हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है, और उनके पिछले नोट्स अब कोई काम के नहीं जिसमें टैक्स कैलकुलेशन होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये किस किस के लिए है, अगर आप बेटा फर्स्ट टाइम भी ये लेक्चर देख रहे हैं, आपको अब तक के तो ये पूरा लेक्चर देख करके समझ में आ गया होगा कि कोई अगर पहली बार भी DT पढ़ रहा है तो भी मैं किस लेवल में जा रहा हूँ। मैंने ये इस फास्ट ट्रैक का ऑब्जेक्टिव ही यही रखा है कि कोई अगर पहली बार भी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, भले ही कम टॉपिक लो, क्योंकि बेटा DT में ओवरऑल 42+ टॉपिक है, तो भले ही कम टॉपिक लो, लेकिन ऐसा लो कि जो सब्सटैंशली पूरा सब्जेक्ट कवर कर ले और उसको जीरो से पढ़ाया जाए। मैं उसी ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ा रहा हूँ,
लेवी मैंडेटरी है, 4% हो चुका है अब सेस। सेस कब लगाया जाता है आप मुझे बताइए, पहले सरचार्ज आता है, रिबिट आता है या सेस आता है? एकदम करेक्ट, दिस इज द लास्ट एक्टिविटी इन टैक्स कैलकुलेशन, टेक्निकली सेकेंड लास्ट एक्टिविटी, बिकॉज लास्ट में तो आप राउंड ऑफ करते हैं। सो दिस इज जनरली टैक्स कैलकुलेशन का लास्ट एक्टिविटी है ये, दैट इज आफ्टर सरचार्ज और रिबेट। अच्छा एक और बात, जो सेस का पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, सेस का पैसा जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, इसे सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है, अदर पर्पस के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपसे जो इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है, इससे वेपन्स खरीदे जा सकते हैं, आर्मी के पेमेंट्स हो सकते हैं, सो फॉर एंड सो फोर्थ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेस का जो पैसा कलेक्ट किया जाता है वो उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है, नॉट एनी अदर पर्पस। द थर्ड थिंग इज सरचार्ज, सुना सुना सा लग रहा है, सरचार्ज। सरचार्ज के अंदर भी अमेंडमेंट्स है, ध्यान से सुनिए। सरचार्ज पहले लगता था बेटा जब इनकम एक्सीड कर जाती थी 1 करोड़ पे, लेकिन इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए, AOP के लिए, BOI के लिए और AJP के लिए इनकम अप टू 50 लाख 10%, बियॉन्ड 1 करोड़ 15%। पहले आपको याद होगा 10 था, फिर 12 किया, 12 से 15 किया और अब 2 स्लैब कर डाले, 50 लाख के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब 50 लाख के ऊपर ही सरचार्ज लगना शुरू हो चुका है। 50 लाख को आपने टच किया 10% का सरचार्ज शुरू, 1 करोड़ को टच किया 15% का सरचार्ज शुरू। अगेन सरचार्ज इज मैंडेटरी, आपको एग्जाम में स्पेसिफिकली बताया नहीं जाएगा कि सरचार्ज कैलकुलेट करो, द मोमेंट इनकम इससे एक्सीड हो गई चुपचाप आपको सरचार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके तो हमने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, रिबेट, सेस, सरचार्ज। चौथा कॉन्सेप्ट मेरे भाई बोलो, चौथा कॉन्सेप्ट कौन सा? राउंड ऑफ। A 288 सेक्शन 288 A इनकम राउंड ऑफ करने की बात करता है, 288 B टैक्स राउंड ऑफ करने की बात करता है, एंड बोथ आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। वापस से सुन मेरे भाई, राउंड ऑफ होता है दो सेक्शन के अंदर में, इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है 288 A, टैक्स को राउंड ऑफ किया जाता है 288 B, एंड बोथ आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। इन मल्टीपल ऑफ ₹10 मतलब रूल ऑफ 5 इज एप्लीकेबल। बॉस इधर देखो, रूल ऑफ 5 इज एप्लीकेबल, 28325 28328, इसे कैसे राउंड ऑफ किया जाएगा बेटा? लास्ट फिगर पे फोकस करना, लास्ट फिगर अगर अप टू 4 है, लास्ट फिगर अगर अप टू 4 है, लोअर साइड राउंड ऑफ, अदरवाइज हायर साइड राउंड ऑफ, दैट इज 28320 हो जाएगा ये। आखिरी फिगर क्या 5 है, 4 से ऊपर है? यस, 28330, यहाँ 28330। लास्ट फिगर पे फोकस करना है तुझे, लास्ट फिगर अगर 5 या 5 से ऊपर है तो हायर साइड राउंड ऑफ, अदरवाइज लोअर साइड राउंड ऑफ। सर क्या प्रॉब्लम में राउंड ऑफ करना मैंडेटरी? आंसर इज हाँ, नहीं तो यहाँ तेरा हाफ मार्क से 1 मार्क कटेगा। क्यों? देर इज अ ब्रीच ऑफ सेक्शन। अच्छा, जो राउंड ऑफ की जाती है ये है टोटल इनकम राउंड ऑफ। आपको ग्रॉस टोटल इनकम राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आपको टोटल इनकम राउंड ऑफ करने की जरूरत है। टोटल इनकम याद है ना, डिडक्शन के बाद वाली। तो 288A, 288B, दीज आर राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। क्लियर है मेरे भाई? द फिफ्थ पॉइंट, ध्यान से सुन, स्पेशल रेट।
बॉस अब तक हम लोग देख रहे थे नॉर्मल रेट, अब हम देखते हैं स्पेशल रेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 20%, नया अमेंडेड ताजा ताजा फाइनेंस एक्ट 2018 ने लाएवा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 20%। एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है 112A। अब ये क्यों आया है मैं आपको बताता हूँ, और ये लगता कहाँ है, ये लगता है बियॉन्ड ₹1 लाख, 1 लाख से ऊपर गया गेन तभी लगेगा। आपको याद होगा तो एक सेक्शन हुआ करता था 1038, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन विच एसटीटी इज पेड, याद आ रहा है ऐसा कुछ करा था आपने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑन विच एसटीटी इज पेड, ऑन विच एसटीटी इज पेड, ये होता था एग्जम्प्ट। ये क्या होता था बेटा, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट होता था ये सेक्शन 1038 के अंदर में, कुछ याद आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन विच एसटीटी इज पेड इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1038। फाइनेंस एक्ट 2018 ने इसे कट कर दिया और बोला इट इज एग्जम्प्ट ओनली अप टू ₹1 लाख। अब पहले जहां पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर सेलिंग सिक्योरिटी सेलिंग जिसपे एसटीटी पे होता था पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाता था 1038 में, अब सरकार कहती है कि अब ये पूरा एग्जम्प्ट नहीं है, 1 लाख रुपए तक के एग्जम्प्ट है, 1 लाख रुपए के ऊपर ये टैक्सेबल हो जाएगा 10% के हिसाब से, और इसीलिए एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया 112A। यानी अगर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज से आया होगा, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज से आया होगा एसटीटी पेड होगा 10%। सर शेयर्स एंड सिक्योरिटी से आया होगा एसटीटी पेड नहीं होगा 20%, और अदर असेट का होगा 20%। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा लैंड सेल किया कैपिटल गेन आया 20%, मैंने मेरे शेयर सेल किए एसटीटी पेड है 10%, मैंने मेरे शेयर सेल किए एसटीटी पेड नहीं है अब भी 20%। तो नया क्या आया है, नया है वह 112A। पहले जो कैपिटल गेन आता था 1038 का, अब उसे एक्सटिंग्विश कर दिया गया है और सिर्फ 1 लाख तक का एग्जम्प्ट रखा है 1038 में, 1 लाख तक आज भी रखा है, 1 लाख के ऊपर साल भर का इन एग्रीगेट अगर गया तो 10% से टैक्सेबल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15%। सर ये भी काय से आता है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, अगेन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, मेरे भाई शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के ऊपर ये आता है। नेक्स्ट नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नॉर्मल स्लैब रेट, ये सिर्फ अलग से आपको बताने के लिए दिया गया है, दिस इज नॉट अ रेट, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है। जब तक एग्जाम्पल में 111A ना लिखा हो, जब तक एग्जाम्पल में 111A ना लिखा हो 15% अप्लाई नहीं करना, नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई करना। जब तक प्रॉब्लम में 111A ना दिया हो आपको नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई करना है, जब तक प्रॉब्लम में 111A ना दिया हो आपको नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई करना है। ये आपको जानबूझ के मैंने स्पेशल में लिख के दिया ताकि आपको ये याद रहे, जब तक आपको 111A ना दिया हो आपको चुपचाप नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई करने हैं। ओके और कोई रेट? हाँ जी, लॉटरी ऑब्लिक कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 115BB 30%। बेटा लॉटरी कैजुअल इनकम, हॉर्स रेसेस, इन सभी के ऊपर जो इनकम आती है ये स्ट्रेट अवे टैक्सेबल होती है एट द रेट ऑफ 30%, एट द रेट ऑफ 30%। क्लियर है? ओके बेटा, कई चैप्टर में हमें एक और वर्ड आएगा एमएमआर। व्हाट इज एमएमआर? मैक्सिमम
मार्जिनल रेट। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें एक और वर्ड मिलेगा, इट इज टैक्सेबल एट MMR, इट इज टैक्सेबल एट MMR। MMR मतलब क्या? हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस। दिस इज 35.88% एज ऑफ नाउ, विच इज कैलकुलेटेड एज अंडर 30% प्लस 15% प्लस 4%। आई होप यू नो वॉट इज दिस। 30% इज द टैक्स रेट, 15% इज मैंडेटरी सरचार्ज। जहां पे वर्ड आ जाता है MMR, जहां पे वर्ड आ जाता है MMR, जहां पे वर्ड आ जाता है MMR, वहां एक करोड़ की हम कंसेप्ट नहीं देखते, वहां डायरेक्टली 15% मैंडेटरीली चार्ज किया जाता है। टेक अ कैलकुलेटर डालो उस पर, 30 प्लस 15% प्लस 4%। आया कितना आ रहा है? 35.88। अब ये भी बदल गया, पहले MMR अलग होता था, अब MMR अलग होगा। सर क्यों बदला है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन सेस रेट, बिकॉज ऑफ द चेंज इन सेस रेट। तो जिन लोगों ने नवंबर 18 दे रखा है उनके लिए इंपॉर्टेंट बात, सरचार्ज 3 के जगह 4 हो चुका है और इसके कारण MMR रेट बदल गए, MMR रेट अब 35.88% हो जाएगा। क्लियर है सर? चलो फटाफट स्पेशल रेट के ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, ये है सबसे बड़ा हाईलाइट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नया है वह। पहले जो शेयर्स के ऊपर 100% एग्जम्पशन मिलता था जिस पे STT पेड था, अब वो 100% एग्जम्प्ट नहीं है। वो कितने लाख तक के एग्जम्प्ट है? 1 लाख तक के एग्जम्प्ट है। 1 लाख के ऊपर उस पर 10% का टैक्स आएगा ही आएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब तक 111A में ना दिया हो, नॉर्मल स्लैब रेट लगाना, 111A में दिया हो 15% लगा देना। लॉटरी कैजुअल इनकम ट्रेड 30%, MMR अगर कहीं वर्ड यूज किया होगा तो MMR का मतलब होता है 35.88%, दैट इज 30% प्लस 15% प्लस 4% मैंडेटरीली। कैसा बेटा? मैंडेटरीली। इज अ डन? ओके, लास्ट के दो पॉइंट। बिफोर आई गिव द ब्रेक, सिक्स्थ पॉइंट, इफ असेसी कैन नॉट एब्सॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड हैज स्पेशल इनकम फिज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नॉट कैजुअल इनकम, सच स्पेशल इनकम शैल बी फर्स्ट यूज्ड टूवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी चार्जेबल एट स्पेशल रेट। इफ असेसी कैनॉट एब्सॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड हैज स्पेशल इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नॉट कैजुअल इनकम, इट शैल फर्स्ट बी यूज्ड टूवर्ड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट It shall first be used towards basic exemption limit and balance, if any,
शैल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट। डन। चलो इसका मीनिंग क्या हुआ जरा समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। ध्यान से सुनना। देख बेटा, तेरे पास पीजीबीपी इनकम है, पीजीबीपी इनकम है 2 लाख रुपए, और तेरे पास है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 112, लेट्स से 1 लाख रुपीज। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट टैक्स? व्हाट पीपल डू इज 1 लाख इंटू 20%, दैट इज 20,000। दिस इज अ टोटली रॉन्ग एडजस्टमेंट, दिस इज अ टोटली रॉन्ग एडजस्टमेंट। अंडरस्टैंड, इफ यू हैव नॉर्मल इनकम एंड इफ यू हैव स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम दैट इज पीजीबीपी 2 लाख रुपए, क्या ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट पूरा एब्जॉर्ब कर पा रही है? नहीं। टैक्स पेयर क्या बोलेगा? बॉस मुझे टैक्स पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मेरा हक है, मेरा अधिकार है? क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मेरा हक है, मेरा अधिकार है? तो आप मुझे मेरा ये अधिकार दो, मुझे टैक्स पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मेरी ओवरऑल इनकम 3 लाख रुपए है, तो आप ये 50,000 रुपए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में यूज करो, बैलेंस पे टैक्स में देने को तैयार हो ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पॉइंट को समझा, और इस पॉइंट को समझते हुए उन्होंने स्ट्रेट अवे एक पॉइंट कर दिया कि बॉस इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डाल देने का, बेसिक एग्जम्पशन लाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 50, ये हो गया 2,50,000 लेस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000, ये पूरा का पूरा निल। नाउ दैट यू हैव एग्जॉस्टेड द कंप्लीट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, नाउ दैट यू हैव एग्जॉस्टेड द कंप्लीट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अब तून स्पेशल इनकम कितनी है तेरे पास? स्पेशल इनकम थी तेरे पास बेटा 1 लाख रुपए, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये था तेरे पास 1 लाख रुपए। इस 1 लाख में से तूने यूज कर लिया फॉर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कितना रुपए यूज कर लिया बेटा तूने? 50,000 तूने यूज कर लिया इसके लिए। तेरे पास बैलेंस कितना बचा? 50,000 रुपये। अब इस पर टैक्स रेट अप्लाई कर। बैलेंस पे टैक्स रेट कितना परसेंट है बेटा, बोल जल्दी। 20%, 112 ए के 112 में कवर है। बोल कितना आ रहा है टैक्स लाइबिलिटी, विल इट बी 10,000? चल अब तेरी ओवरऑल टैक्स निकालते हैं। तेरा ओवरऑल टैक्स आ रहा है 10,000 रुपये। डू यू अग्री? नॉर्मल टैक्स मिला के प्लस स्पेशल टैक्स मिला करके तेरा टैक्स आ रहा है 10,000 रुपये, राइट? सवाल एक, क्या रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो भाई, मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलना ही है। योर टोटल इनकम इज 3 लाख रुपीज, विच इज लेस देन 3.5 लाख। मिलना ही है 2,500 रुपये का। बचता है 8,500 रुपये, ये आया टैक्स, और इस पे अब लगेगा सेस, जिसे हम अब प्यार से कहते हैं HEC एट द रेट ऑफ 4%। करो कितना आ रहा है 4%? करो कितना आ रहा है 4%? 340 रुपीज फाइनल, 8840। सिंस इट इज़ ऑलरेडी राउंडेड ऑफ, इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आप अपना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हैं, तो स्पेशल इनकम विल बी फर्स्ट यूज। स्पेशल इनकम में कैजुअल इनकम काउंट करने का नहीं। सर क्यों नहीं काउंट करने का? क्योंकि उस केस में विनिंग टैक्सेबल है बेटा। क्या टैक्सेबल है? विनिंग। टेन थाउजेंड माइनस, अच्छा ये एक मिनट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, अ लिटिल कैलकुलेशन एरर। 7,500
दिस इज 300, 7,800. Is it done? सर समझ में आया क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है टैक्स के अंदर में? क्या लग रहा है, बेसिक जरूरी था या नहीं था? जरूरी था. कितनी चीज़ें क्लैरिफाई हुई आप ये सोचो आज के दिन. अगर मैं ये टॉपिक नहीं लेता राइट, मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ता. कुछ लोगों को डेफिनेटली हो सकता है ये आइडिया हो, लेकिन बॉस जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है फाइनल लेवल पे, मैं इतने सारे बच्चों से मिलता हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को नहीं जमती है. ये पर्टिकुलर ये एडजस्टमेंट्स तो मैंने कितने लोगों के साथ ट्राई किया कि चल ट्राई करके देख, चल ट्राई करके देख. यस और नो? एंड सेवेंथ, सेवेंथ टेक्निकली एक नोटिफिकेशन है, ठीक है, ध्यान से सुन. ये नोटिफिकेशन पिछले साल ही आया हुआ है. अब सवाल क्या है जरा समझिएगा बेटा, अंडरस्टैंड. प्रीवियस ईयर में आप 59 इयर्स के हो, प्रीवियस ईयर में आप 59 इयर्स के हो, फर्स्ट अप्रैल को आपका बर्थडे आता है, फर्स्ट अप्रैल को आपका बर्थडे आता है और आप 60 के हो जाते हो. अब आयरनी समझना, जिस साल आपने इनकम कमाई आप उस साल 59 के हो, लेकिन जिस साल आप रिटर्न भर रहे हो दैट इज असेसमेंट ईयर, उस साल आप सीनियर सिटीजन बन जाते हो. असेसी बोलता है मुझे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख मिलना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है, 2.5 लाख या 3 लाख? 2.5 लाख या 3 लाख? 3 लाख. क्यों? जब इनकम कमाई तब तो वो सीनियर सिटीजन नहीं था. हाँ तो पूरे हम फर्स्ट अप्रैल के दिन बड़े हुए ना, पूरे प्रीवियस ईयर में वो सीनियर सिटीजन था ही नहीं. कितना मिलना चाहिए, 2.5 या 3? 2.5 या 3? मिलता था 2.5, लेकिन सीबीडीटी वालों ने एक सौगात दी. सीबीडीटी वालों ने इस पॉइंट को समझा कि वैसे भी अगले साल से ये 3 लाख का बेनिफिट मांगने ही वाला है. टैक्स पेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसने एक छोटा सा गेम खेला और बोला जिनका बर्थडे फर्स्ट अप्रैल को आता है, ये नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो अप्रैल फूल के दिन फूल बने हैं. जिनका बर्थडे फर्स्ट अप्रैल को आ रहा है, और फर्स्ट अप्रैल, सेकेंड अप्रैल भी नहीं बोल रहे हूं, जिनका बर्थडे फर्स्ट अप्रैल को आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन डे द बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिनाइड. जस्ट बिकॉज ऑफ वन डे द बेनिफिट ऑफ सीनियर सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिनाइड. जिसका मतलब यह है कि अगर किसी का बर्थडे फर्स्ट अप्रैल को आता है तो और उसी दिन वो सीनियर सिटीजन में टर्न अप हो रहा है, तो उस केस में उसको जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा वो 3 लाख मिलेगा रादर देन 2.5 लाख. वो कितना मिलेगा, 3 लाख रादर देन 2.5 लाख. आइए जरा समझते हैं. इफ असेसी बिकेम्स सीनियर सिटीजन ऑन 1st April ऑफ असेसमेंट ईयर, देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एप्लीकेबल शैल बी 3 लाख इंस्टेड ऑफ 2.5 लाख. और मुझे लगता है वो आप पे इस बार ये क्वेश्चन पूछेंगे. मई में नहीं पूछा तो कंफर्म नवंबर, क्योंकि पिछले साल का नोटिफिकेशन था. और वो इसको हिंट कैसे करेंगे मैं आपको ये भी देता हूँ. पूरा प्रॉब्लम लिख देंगे और लास्ट में लिखेंगे
ही इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे ऑन 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर। बस एक छोटे से पॉइंट में आपको घुमा देंगे, जिस जिसको नोटिफिकेशन याद रह गया तो उसका टैक्स कैलकुलेशन बराबर हो जाएगा, नहीं तो शायद इनकम करेक्ट कर दे और टैक्स कैलकुलेशन गलत कर देगा वो। तो बहुत सोच के समझ करके पॉइंट को रखना, ये उन्हीं के लिए है जिनका बर्थडे 1 अप्रैल को आ रहा है और 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर को वो काय में टर्न अप हो रहे हैं, सीनियर सिटीजन में टर्न अप हो रहे हैं। क्लियर है? दैट्स इट। आइए वापस से एक बार पूरे चार्ट को देखते हैं। ये चार्ट इतना बड़ा चार्ट है कि आपको एक ही चार्ट में पूरा टैक्स कैलकुलेशन आ जाएगा, राइट? अभी तक हमने फर्म, कंपनी एंड अदर्स का टैक्स कैलकुलेशन नहीं देखा, अब तक हमने देखा है सिर्फ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP के लिए, राइट? 3 स्लैब्स दिए हैं और टैक्स में करने वाले कुछ मिलाकर के 6 एडजस्टमेंट, 6 से 7 एडजस्टमेंट है जो टैक्स के अंदर करने पड़ते हैं, देख देख के कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। डोंट वरी, हम इसके ऊपर प्रॉब्लम जरूर लेंगे, पर फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप भी एंजॉय कीजिए, ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलता हूँ तुरंत।